हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो आज मैं शेयर कर रहा हूँ मास्टर इन कैंडलस्टिक। इसमें कैंडलस्टिक के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं सिखाने वाला हूँ। ओके, तो यूजुअली कैंडलस्टिक के बहुत सारे वीडियोज आपने देखे रहेंगे जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको सिखाए जाते हैं, बट दिस इज कम्प्लीट डिफरेंट वीडियो। इसमें सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कैंडलस्टिक से हर महीना एक कन्फर्म प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, यानी यहाँ कैंडलस्टिक से रुपए कैसे कमाने हैं वो आपको सिखाया जाएगा। कैंडलस्टिक से मार्केट फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे करना है विथ 100% एक्यूरेसी, यानी कल मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा ये आज ही कैसे प्रेडिक्ट करना है, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। फिर ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं जिससे उनका काफी हेवी लॉस होता है, तो राइट डायरेक्शन में अगर आप काम करते हो तो आपके लॉसेस भी नहीं होते और कंफर्म प्रॉफिट आपको मिलता है। जब भी आप मार्केट में काम करते हो मार्केट हर तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, मार्केट बुल्स को भी ट्रैप करेगा, बेयर्स को भी ट्रैप करेगा। तो ये ट्रैप्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और इसमें जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस कैसे बचाने हैं, लॉसेस कैसे मिनिमाइज करने हैं, ये भी आप ये वीडियो में सीख जाओगे। तो ये वीडियो के कुछ मेन हाइलाइट्स है। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे कमाने हैं आपको मार्केट से पहले रेडी रहना है, तो अगर मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाला है ये पहले ही आपको मालूम है तो आप काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो राइट डायरेक्शन में ट्रेड करके और लॉसेस भी आप मिनिमाइज कर सकते हो। ये वीडियो के कंटेंट है, ये कुछ टॉपिक्स है जो ये वीडियो पे मैं काफी डिटेल में सिखाने वाला हूँ। ओके, तो काफी सिस्टमैटिकली हर एक टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैंडलस्टिक के बेसिक्स। तो अगर आपको कैंडलस्टिक से फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है विथ 100% एक्यूरेसी, ओके, तो कैंडलस्टिक के बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है जो यहाँ आपको सिखाए जाएंगे। फिर ट्रेंड रिवर्सल्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, यानी अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड कभी कंप्लीट होगा, डाउन ट्रेंड कभी चालू होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। या अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अभी डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो गया और अप ट्रेंड चालू हो गया, तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं ये कैसे आइडेंटिफाई करने कैंडलस्टिक से, ये आपको सिखाया जाएगा। फिर कैंडलस्टिक से ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रेड में आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है, रिस्क लेना है, और कौन से ट्रेड में सेफ ट्रेडिंग करना है और लिमिटेड प्रॉफिट बुक करना है, वो भी यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। यानी कैंडलस्टिक से ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कभी मार्केट बड़ा प्रॉफिट आपको देने वाला है, जहां एक ही ट्रेड में आप 50-100% कमाने जाओगे इन निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी कॉल पुट। और कैंडलस्टिक आपको ये भी बताएगा कि कौन से ट्रेड में रिस्क बहुत ज्यादा है, जहां पे आपको ट्रैप किया जाएगा, जहां पे आपको क्या करना है, लिमिटेड प्रॉफिट बुक करना है, छोटा प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ आपको सिखाया जाएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई नेक्स्ट डे ट्रेंड यूजिंग कैंडलस्टिक, अगले दिन मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा ये आज ही कैसे प्रेडिक्ट करना है यूजिंग कैंडलस्टिक, ये आपको बताया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे कमाने हैं आपको मार्केट से आगे रहना है, यानी मार्केट में क्या होने वाला है वो पहले ही आपको मालूम होना चाहिए, जिससे क्या है आप 95% एक्यूरेसी से डेली इनकम कमा सकते हो। ओके, तो यही काम हम लोग रोज सुबह करते हैं, डेली 9 बजे मार्केट चालू होने से पहले हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं कि आज हमें क्या ट्रेड करना है, आज मार्केट में क्या हो सकता है, जिससे हम लोग पूरा आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि आज कौन से डायरेक्शन में बड़ा प्रॉफिट कमाना है, कौन से डायरेक्शन में लिमिटेड प्रॉफिट बुक करना है, कौन से डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है अगर आप पहले ही प्रिपेयर करके रखते हो तो 95% एक्यूरेसी से आप डेली इनकम कमा सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपको मालूम होता है आज क्या करना है और क्या होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यहाँ काफी डिटेल में आपको सिखाए जाएंगे, और ये होने के बाद ये सारे कंसेप्ट मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये वीडियो बनाने का प्राइमरी रीजन है जो भी ऑनलाइन इंट्राडे कोर्स में कंडक्ट करता हूँ, इसमें मैं 4 श्योर प्रॉफिट टेक्निक सिखाता हूँ, इंट्राडे टेक्निक, ब्रेकआउट टेक्निक, टाइम साइकिल टेक्निक और डिलीवरी टेक्निक। तो ये 4 श्योर प्रॉफिट टेक्निक है, पर ये टेक्निक पे अगर आपको काम करना है, मास्टरी करना है, तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये बेस है चारों टेक्निक का। तो अगर ये नॉलेज आपको आ गया तो जो टेक्निक्स में कोर्स में सिखाता हूँ वो आपको काफी आसान जाएंगे और वो टेक्निक्स पे आप काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसलिए ये वीडियो बनाया है मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो मेरा फ्यूचर में कोर्स करने आएंगे। तो कोर्स करने से पहले मैं उनको रेकमेंड करूंगा ये वीडियो देख के आओ, तो जो भी टॉपिक्स, जो भी टेक्निक्स मैं कोर्स में सिखाऊंगा बहुत आसान जाएंगे। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है इनके लिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पहले मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट, एवरी स्टेटमेंट एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। ये वीडियो मैं काफी डिटेल में बना रहा हूँ और हर कंसेप्ट में काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो हर एक कंसेप्ट डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। आप एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो, जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे आप खुद के नोट्स बना सकते हो। फिर जब ये पूरा वीडियो आप देखोगे, ये वीडियो में जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं वो आपको खुद के कैंडलस्टिक के चार्ट पे अप्लाई करके देखने हैं। आपके पास जो भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ पे आपको कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है, इसका डेमो भी मैं यहाँ आपको देने वाला हूँ ये वीडियो में। फिर ये वीडियो के एंडिंग में मैं कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा, 5 एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा, आपको ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं
और इसके आंसर्स आपको मुझे भेजने हैं। ओके, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा जो कंसेप्ट यहाँ मैंने सिखा है वीडियो में आपको क्लियर हुए है कि नहीं। तो इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हो, मैं वेरीफाई करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। फिर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर है, जो नई शुरुआत कर रहे हैं शेयर मार्केट में, उनको ये इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि ये वीडियो देखते वक्त अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ओके, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। बिकॉज कोर्स में जब भी मैं टेक्निक सिखाता हूँ, टेक्निक से पहले यही कंसेप्ट में डिटेल में रिविजन लेने वाला हूँ, तो जो भी टॉपिक यहाँ नहीं समझ में आएंगे कोर्स में क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे वीडियो देखते वक्त अगर आपको कोई भी क्वेरी आता है, वो क्वेरीज नोट डाउन करके रखो, कोर्स में वो सारे क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हो, आपके डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। फिर जो भी YouTube में नए आ रहे हैं, जिनको YouTube वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ जस्ट बताना चाहूंगा कि जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो भी कंसेप्ट आपको दो तीन बार देखना है, आप क्या कर सकते हो, वीडियो रिवाइंड कर सकते हो या बैकवर्ड जा सकते हो। वीडियो का जो स्लाइडर रहता है वो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैक कर सकते हो, जिससे क्या है एक ही टॉपिक आप तीन चार बार सुन सकते हो। तो ये वीडियो का एडवांटेज रहता है, जहाँ पे चाहे जितने बार आप एक टॉपिक देख सकते हो, जिससे वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो अभी मेन टॉपिक चालू करने से पहले मेरे स्टूडेंट्स को मैं एक आखिरी इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। ये वीडियो में जो भी टॉपिक्स में सिखाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, सीक्वेंस में सिखाऊंगा, तो आपके सामने जो भी स्क्रीन आएगा, हर स्क्रीन पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हर टॉपिक्स कनेक्टेड है, हर स्क्रीन कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप ये वीडियो पार्ट्स में देखते हो, फॉरवर्ड करके देखते हो, या कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स ही देखते हो ये वीडियो के, तो आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिकॉज हर एक टॉपिक कनेक्टेड है। ये वीडियो पे जितने भी स्टेटमेंट मैं यूज करने वाला हूँ, हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जो आपको काफी बड़ा प्रॉफिट दे सकता है या आपका लॉस बचा सकता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको ऐसे ही सीक्वेंस से देखना है जैसे मैंने बनाया है, और जो भी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सीखते हो, कंसेप्ट सीखते हो, वो आपको नोट डाउन करने हैं। और अगर आपको वीडियो देखते हो कुछ क्वेरीज आते हैं, तो क्वेरीज भी आप नोट डाउन कर सकते हो, जो कोर्स में आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग मेन टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहले अभी मैं कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये शेरखान का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स रिफर करते हैं। तो ये एक टाइम फ्रेम चार्ट मैंने ओपन किया है, ईओडी चार्ट, डेली चार्ट। यहाँ पे एक दिन का एक कैंडल है। अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डेली चार्ट है, वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, 30 मिनट चार्ट है। ये सारे कैंडलस्टिक चार्ट्स है जो हम लोग रिफर करते हैं। इसमें से ये जो टाइम फ्रेम चार्ट है, डेली ईओडी चार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी यहाँ ये प्रीवियस डे का कैंडल है। ये चार्ट हम लोग क्यों रिफर करते हैं, यहाँ हम लोग एनालिसिस करते हैं कल मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा, कल कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाला है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक ऊपर जाएगा, अगर नीचे गिरेगा तो कहाँ तक नीचे गिरेगा, यानी मार्केट के टारगेट्स हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ से रिवर्स होगा। ओके, तो ये पूरा एनालिसिस जो है हम लोग ये टाइम फ्रेम चार्ट पे करते हैं। फिर सुबह जब भी हम लोग ट्रेडिंग चालू करते हैं, 9 बजे हम लोग मार्केट का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं कि आज मुझे क्या ट्रेड करना है और आज मार्केट में क्या होने वाला है, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी हम लोग ये टाइम फ्रेम चार्ट से बनाते हैं। तो ये जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, जहाँ पे एनालिसिस करने के बाद आपको कंफर्म सिग्नल मिलते हैं, जो कंफर्म सिग्नल पे आप एक एक दो दो दिन में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। 50-100% प्रॉफिट आप बहुत इजीली कमा सकते हो निफ्टी ऑप्शन में, निफ्टी कॉल पुट में, जब भी आपको कोई कंफर्म सिग्नल्स मिलते हैं। तो ऐसे मार्केट प्रेडिक्शन अगर आपको करना है विथ 100% एक्यूरेसी, तो कैंडलस्टिक का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी हम लोग कैंडलस्टिक स्टडी चालू करते हैं। वो होने के बाद फिर ये टाइम फ्रेम चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो भी कंसेप्ट्स में वीडियो में सिखाऊंगा ये टाइम फ्रेम चार्ट पे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं कैंडलस्टिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी स्टडी में अगर आपको मास्टरी करना है, तो उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कैंडलस्टिक्स में दो टाइप के कैंडल्स रहते हैं, एक बुलिश कैंडल होता है, एक बेरिश कैंडल होता है। जैसे अभी आप देखोगे शेरखान सॉफ्टवेयर में दो कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है दैट इज बुलिश कैंडल, और एक रेड कैंडल है दैट इज बेरिश कैंडल। अभी ये कैंडल कैसे रीड करना है, ये जो कैंडल है इसका जो ये रेक्टेंगल पोर्शन है, इसको कैंडल का बॉडी बोलते हैं, और इसके ऊपर और नीचे जो दो लाइंस दिख रहे हैं इसको कैंडल के शैडोज बोलते हैं। तो ऊपर के जो दो लाइन है इसको अपर शैडो बोलते हैं, ये उस दिन का हाई बताते हैं कि मार्केट ने क्या हाई टच किया उस दिन, और जो लोअर शैडोज है वो उस दिन का लो बताते हैं कि मार्केट ने क्या लो टच किया है। ओके, तो यहाँ ग्रीन कैंडल जो है ये कभी बनेगा अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ऐसे ग्रीन यानी बुलिश कैंडल बनता है। अभी ये कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले मार्केट ओपन होता है, सुबह सुबह मार्केट नीचे जाता है, एक इंट्राडे लो बनाता है, और फिर मार्केट एक बाउंस बैक देता है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाना चालू होगा और ओपन से वो ऊपर जाएगा, तभी ऐसे नीचे लोअर शेडो बनेगा। ओके, फिर मार्केट एक हाई बनाता है, इंट्राडे हाई, और जो क्लोजिंग है 3:30 बजे का, थोड़ा नीचे आके
क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे ऐसे ऊपर अपर शेडो बन जाता है। तो मार्केट ओपन हो गया है, मार्केट नीचे गया, एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया इंट्राडे हाई, और यहाँ पे आके क्लोज दे रहा है। तो इंट्राडे में जब भी ऐसे मूवमेंट आता है तभी जाके ऐसा कैंडल बनता है 3:30 बजे। ओके, तो ओपन के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है इट्स अ बुलिश कैंडल। वैसे बेरिश कैंडल में क्या होता है, मार्केट ओपन होता है और ओपन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ऐसा बेरिश कैंडल बनता है। ओके, अभी ये कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, मार्केट ओपन होता है, पहले एक इंट्राडे हाई बनाता है, ओके, फिर एक फॉल आता है इंट्राडे में, जहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट हाई बना के ओपन के नीचे आएगा ऊपर अपर शैडो बन जाता है। ओके, फिर इंट्राडे लो बनाने के बाद एंड ऑफ डे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कैंडल बनेगा जहाँ पे ओपन के नीचे क्लोजिंग रहेगा। ओके, और ये जो अपर शैडो है वो उस दिन का हाई बताएगा, जो लोअर शैडो है वो उस दिन का लो बताएगा। तो ओपन के नीचे, आज के ओपनिंग के नीचे अगर क्लोजिंग होता है आज का, तो ऐसे बेरिश कैंडल बनता है। तो ऐसे कैंडल फॉर्मेशन होते हैं, दो टाइप के कैंडल्स आप देखते हो, एक बुलिश कैंडल है और एक बेरिश कैंडल है। तो अगर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में देखना है तो यहाँ पे जो रेड कैंडल है वो बेरिश कैंडल है और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। तो शेयर खान में अगर कोई भी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज देखना है, ओके, तो यहाँ पे जस्ट शिफ्ट और डी प्रेस करना है, शिफ्ट डी। तो ऐसे डेटा विंडो ओपन होगा, तो कोई भी कैंडल पे आप पॉइंटर रखोगे तो यहाँ पे उसका ओपन हाई लो क्लोज दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट का जो ओपनिंग है इस दिन का 16,691 है और जो क्लोज है 16,568 है। तो ये ओपन है, ओपन के नीचे मार्केट क्लोज हो गया है, तो बेरिश कैंडल बना है। और ये कैंडल अगर आप देखोगे, ये कैंडल का ओपन है बुलिश कैंडल, और जो क्लोजिंग है ओपन के ऊपर हुआ है, तो ऐसे बुलिश कैंडल बनेगा। अब ये प्रीवियस डे का कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ग्रीन कैंडल बना है, यानी ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग आया है, पर सुबह सुबह यहाँ मार्केट ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का फॉल दिया था। तो इसके लिए जस्ट मैं इंट्राडे चार्ट ओपन करता हूँ, बाजू में कंट्रोल और डबल क्लिक अगर आप करोगे तो आप मल्टीपल चार्ट्स ओपन कर सकते हो। तो ये जो चार्ट है ये प्रीवियस डे का चार्ट है, यहाँ आप देख सकते हो मार्केट ओपन हो गया है और सुबह सुबह इसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का फॉल दिया है। ओके, तो जब ये फॉल आएगा इसके बाद मार्केट जब ये रिकवर होगा और ये ओपन के ऊपर जाता है तभी आप देखोगे लोअर शेडो बनता है। तो लोअर शेडो आपको क्या बता रहा है, सुबह मार्केट गिरा है और फिर मार्केट रिकवर हो गया और मार्केट का जो क्लोजिंग है वो ओपन के ऊपर हो रहा है, तो फाइनली ऐसे जाके ग्रीन कैंडल बनता है। तो ये कैंडल कैसे है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, मार्केट ओपन हो गया है, इसने एक इंट्राडे लो बनाया, ओपन होने के बाद इंट्राडे लो बनाया, फिर मार्केट ने ऊपर जाके एक इंट्राडे हाई बनाया और एंड ऑफ डे थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दे रहा है, तो यहाँ पे ऊपर भी एक छोटा अपर शेडो बना। तो ये जो अपर शेडो है उस दिन का हाई बताएगा, ये लोअर शेडो है वो उस दिन का लो बताएगा। तो ऐसे ये कैंडल्स आपको रीड करने हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल्स यूजिंग कैंडलस्टिक। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। तो जब भी आप ट्रेड करने बैठोगे प्रीवियस डे का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम लोग नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं। तो जो प्रीवियस डे का कैंडल होता है, प्रीवियस डे का जो हाई होता है वो रेजिस्टेंस होता है आज के लिए, और प्रीवियस डे का जो लो होता है वो सपोर्ट होता है आज के लिए। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट एक वॉर है बुल्स और बेयर्स में। ओके, तो अगर बुल्स पावरफुल है, अगर बुल्स में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, अगर बेयर्स पावरफुल है, बेयर्स में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो वो मार्केट को नीचे गिराते हैं, और अगर बुल्स और बेयर्स दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ है, यानी दोनों इक्वली पावरफुल है, तो मार्केट साइडवेज रुकता है या रेंज बाउंड मूवमेंट देता है। ओके, अभी ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि बुल्स पावर में है कि बेयर्स पावर में है। तो जब भी आप देखते हो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ओके, तो प्रीवियस डे का हाई अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इसका सिग्नल है बुल्स में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बुल्स में पावर बहुत ज्यादा है, तो ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके, तो अप ट्रेंड में आप क्या देखोगे, रोज मार्केट नया हाई बनाते जाएगा, यानी रोज मार्केट प्रीवियस डे का जो हाई रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करते जाएगा और नया हाई बनाएगा। तो जब तक प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा है, हम लोग बोलते हैं बुल्स में पावर है, बुल्स में स्ट्रेंथ है, जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ओके, पर ये जो बुल्स है वो प्रीवियस डे का लो प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कभी भी मार्केट को प्रीवियस डे का जो लो है सपोर्ट है वो ब्रेक करने नहीं देते। ओके, तो जब तक प्रीवियस डे का लो नहीं ब्रेक हो रहा है, जब तक मार्केट नया हाई बना रहा है, इट्स अ बुलिश सिग्नल, तब तक हम लोग अप ट्रेंड में काम करते हैं। ओके, पर जब भी मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा और मार्केट अगर प्रीवियस डे का लो सपोर्ट ब्रेक करेगा, ओके, तो यहाँ पे पहला आपको वार्निंग सिग्नल मिलता है कि बुल्स जो है वो वीक हो गए हैं,
बाइंग प्रेशर कम हो गया है, बेयर्स पावर में आ गए हैं जो मार्केट को अभी नीचे गिरा सकते हैं। सो दिस इज ट्रेंड रिवर्सल वार्निंग एंड कंफर्मेशन। तो यहाँ पे कैसे होता है, जब भी इंट्राडे में आप देखोगे मार्केट ओपन होता है और प्रीवियस डे का जो लो है वो ब्रेक करता है, तो जो सुबह 11 बजे मार्केट इंट्राडे लो के नीचे आ गया, तो इसे बोलते हैं लोअर ब्रेकआउट। सो दिस लोअर ब्रेकआउट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल। तो अप ट्रेंड में अगर लो ब्रेक होता है, ये पहला वार्निंग होता है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ओके, पर लो के नीचे आ गया इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया। सपोर्ट ब्रेक होना, सपोर्ट ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, क्लोजिंग शुड बी बिलो प्रीवियस डेज लो। तो क्लोजिंग जो है वो ये सपोर्ट के नीचे आना चाहिए। ओके, तो मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, पर अगर 3:30 बजे का जो क्लोजिंग है अगर वो ये लो के नीचे आ गया, सपोर्ट के नीचे आ गया, तो हम लोग बोलते हैं सपोर्ट ब्रेक हो गया और अभी डाउन ट्रेंड चालू हो गया। पर इमेजिन करो अगर मार्केट लो ब्रेक करता है, ओके, सपोर्ट ब्रेक हो गया, लोअर ब्रेकआउट मिला, पर जो 3:30 बजे का क्लोजिंग जो है वो ये लो के अगर ऊपर जाके मार्केट देता है, ओके, यानी मार्केट अगर लोअर क्लोज नहीं देता है, लोअर क्लोज किसको बोलते हैं, प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज होना, इसको बोलते हैं लोअर क्लोज, सपोर्ट ब्रेकआउट। पर अगर ये लोअर क्लोज नहीं मिलता है, 3:30 बजे मार्केट अगर ये लो के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम लोग बोलते हैं ट्रेंड अभी भी अप है और कल मार्केट ऊपर जा सकता है। जैसे ही लोअर क्लोज मिला अगले दिन से मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। सो दिस इज एंड ऑफ अप ट्रेंड सिग्नल। तो अप ट्रेंड का एंड सिग्नल क्या है, लोअर ब्रेकआउट फॉलोड बाय लोअर क्लोज। अभी हमें दो टर्म्स यूज करने वाला हूँ कैंडलस्टिक सिखाते वक्त, कॉल पुट, जैसे हम लोग निफ्टी ऑप्शन में काम करते हैं, तो आइदर निफ्टी का कॉल बाय करना है या निफ्टी का पुट बाय करना है, तो ये डेरिवेटिव ऑप्शन सेगमेंट में कोर्स में काफी डिटेल में सिखाता हूँ कॉल पुट में काम कैसे करना है। पर जैसे ये वीडियो में ये टर्म्स में यूज करने वाला हूँ, तो जस्ट मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, निफ्टी अगर ऊपर जाता है, तो निफ्टी का जो कॉल है उसके प्रीमियम प्राइजेस बढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग कॉल बाय करते हैं अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। और निफ्टी जब भी गिरता है तो पुट के प्रीमियम प्राइजेस बढ़ना चालू हो जाते हैं, तो जैसे ही मार्केट गिरना चालू हो गया हम लोग पुट बाय करेंगे जिसपे हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसे केस में जब तक मार्केट नया हाई बना रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, तो ये आपको सिग्नल कर रहा है बुल्स में स्ट्रेंथ है, तो आप कॉल में काम करते जाओगे, अप ट्रेंड में काम करोगे, और जैसे ही मार्केट लो ब्रेक करेगा और लो के नीचे क्लोज देगा तो ट्रेंड बेरिश हो गया, तो अगले दिन से आप पुट पे फोकस करोगे, आपको कॉल पे फोकस नहीं करना है। तो अप ट्रेंड में लोअर क्लोज इट्स अ बेरिश सिग्नल, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट ब्रेकआउट। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इन अप ट्रेंड लोअर क्लोज इट्स अ बेरिश एंड ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, रोज मार्केट नया लो बनाते जाता है, तो इसमें कैसे होता है, अगेन सेम कंसेप्ट है, प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस होता है, डाउन ट्रेंड में प्रीवियस डे का लो सपोर्ट होता है, पर इसमें कंसेप्ट कैसा है, बेयर्स पावर में रहते हैं, बेयर्स में स्ट्रेंथ होती है, तो वो क्या करते हैं, रोज नया लो बनाते जाते हैं, यानी रोज मार्केट प्रीवियस डे का लो जो सपोर्ट है वो ब्रेक करते जाएगा, पर बेयर्स जो है वो प्रीवियस डे का जो हाई रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं करने देंगे। ओके, तो प्रीवियस डे का हाई प्रोटेक्ट करेंगे, पर जिस दिन आप देखोगे कि मार्केट नया लो नहीं बनाएगा और मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा, ओके, तो यहाँ पे पहला वार्निंग सिग्नल आपको मिलता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मार्केट अभी बुलिश हो गया। तो यहाँ पे कैसा होता है, इंट्राडे में जब भी मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर आएगा इसको बोलते हैं हाई ब्रेकआउट। तो जैसे ही हाई ब्रेकआउट आएगा, ओके, ये आपको एक वार्निंग देगा कि मार्केट अभी बुलिश हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, पर जरूरी क्या है, क्लोजिंग, क्लोजिंग शुड बी अबव प्रीवियस डेज हाई। बहुत बार ऐसा होता है मार्केट हाई ब्रेक करता है पर एंड ऑफ डे हाई के नीचे आके अगेन क्लोजिंग देता है और फिर से गिरना चालू हो जाता है, तो हायर ब्रेकआउट एक बुलिश सिग्नल मिल गया, और 3:30 बजे अगर जो क्लोजिंग है वो अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हायर क्लोज, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। तो जैसे ही हायर क्लोज आ गया बुलिश सिग्नल, यहां से ट्रेंड अप हो गया और अगले दिन से मार्केट ऊपर जाना चालू हो जाएगा। ओके, तो हायर क्लोज आपको क्या सिग्नल करता है, अभी बुल्स पावर में आ गए हैं, बुल्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो ये बुल्स अभी मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो डाउन ट्रेंड में कब तक काम करना है, जब तक मार्केट नया लो बनाते जाएगा तब तक आपको पुट में काम करना है, डेली पुट में बड़ा प्रॉफिट कमाना है। डाउन ट्रेंड में आप कॉल के बारे में नहीं सोचोगे, ओके, बाउंस के बारे में नहीं सोचोगे, और जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा, हायर क्लोज मिलेगा, उसके अगले दिन से आप सिर्फ बाउंस के बारे में सोचोगे, यानी कॉल के बारे में सोचोगे। एक बार हायर क्लोज मिला तो आपको पुट के बारे में नहीं सोचना है जब तक अगेन डाउन ट्रेंड का सिग्नल आपको नहीं मिले। सो दिस इज बेसिक कैंडलस्टिक कंसेप्ट। सो इन डाउन ट्रेंड हायर क्लोज इट्स अ बुलिश एंड ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। अभी यहां मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा बुलिश और बेरिश जोन। ओके, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस होता है, प्रीवियस डे का लो सपोर्ट होता है, और मार्केट डेली क्या करेगा, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करते जाएगा। अप ट्रेंड में बुल्स क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक करते जाएंगे।
ओके पर बुल्स क्या करेंगे, प्रीवियस डे का जो लो है, सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होने देते. तो अप ट्रेंड में क्या होता है, प्रीवियस डे का जो लो होता है, इसके ऊपर जो एरिया होता है पूरा, इसको हम लोग बुलिश जोन बोलते हैं, बुलिश टेरिटरी. तो बुलिश टेरिटरी में आप क्या करते हो, कॉल में फोकस करते हो, बाउंस पे फोकस करते हो. ओके और जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे आ गया, यहाँ से बेरिश टेरिटरी चालू होता है. और जैसे ही लोअर ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे हम लोग इमिजिएटली पुट बाय करते हैं, पुट पे फोकस करते हैं. तो ये कंसेप्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है. ये जो बुलिश टेरिटरी है, इसमें आपको कॉल में काम करना है, कॉल में रिस्क लेना है, कॉल में बड़ा प्रॉफिट कमाने जाना है, यहाँ पे पुट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है. ओके जो पुट पे अगर आपको काम करना है, तो कभी करोगे, जब भी मार्केट लो के नीचे आएगा, बेरिश टेरिटरी में आएगा, यहाँ पे आप पुट बाय करोगे, जिसमें आप बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे, बिकॉज ये बेरिश जोन में मार्केट आ गया है. तो लोअर ब्रेकआउट, इट्स अ बेरिश सिग्नल, इमिडिएटली आप वहां पे पुट बाय कर सकते हो. और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में जैसे अभी बताया कि मार्केट हमेशा प्रीवियस डे का लो ब्रेक करते जाएगा, बेयर्स प्रीवियस डे का लो सपोर्ट ब्रेक करेंगे डेली, पर मार्केट प्रीवियस डे का हाई नहीं ब्रेक होने देगा. ओके बेयर्स प्रीवियस डे का हाई प्रोटेक्ट करेंगे. तो प्रीवियस डे का जो हाई होता है डाउन ट्रेंड में, इसके नीचे जो पूरा एरिया होता है, ये बेरिश टेरिटरी होता है. ओके तो ये बेरिश टेरिटरी में आप सिर्फ पुट पे फोकस करोगे, पुट में बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे, पुट में रिस्क लोगे. ओके तो यहाँ पे आपको कॉल के बारे में नहीं सोचना है, बाउंस के बारे में नहीं सोचना है. पर जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा, हाई के ऊपर बुलिश टेरिटरी आता है, और ये बुलिश जोन में जैसे ही मार्केट जाएगा, हायर ब्रेकआउट जैसे ही सिग्नल मिलेगा, इमिडिएटली वहां पे आप कॉल पे फोकस करोगे. तो ऐसे ये टेरिटरीज आपको अंडरस्टैंड करने हैं. ओके तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, प्रीवियस डे के लो पे ध्यान रखना है. ओके और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो प्रीवियस डे के हाई पे ध्यान रखना है, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल आइडेंटिफाई करने के लिए. तो इसका एक एग्जांपल जस्ट मैं आपको दे देता हूँ. इमेजिन करो आज मार्केट बेरिश है. ओके तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आप क्या करोगे, अगले दिन का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है, हाई के नीचे पूरा बेरिश जोन है, आपको सिर्फ पुट पे फोकस करना है. कॉल पे फोकस कभी करोगे, जब भी मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाएगा. ओके तो अगले दिन रेड कैंडल अगेन बना, तो यहाँ पे आप पुट में बड़ा प्रॉफिट कमा लोगे, बिकॉज बेरिश टेरिटरी में मार्केट है, तो आप पुट में प्रॉफिट कमा लोगे. तो अभी इसके अगले दिन काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन प्रीवियस डे का हाई आपको मार्क करना है. ओके तो अभी क्या हो गया, ये जो हाई है, इसके नीचे ये बेरिश जोन है, और इसके ऊपर बुलिश जोन है. तो ये बुलिश और बेरिश टेरिटरी रोज चेंज होगा, जैसे रोज मार्केट नया हाई लो बनाएगा ना, ये टेरिटरी चेंज होते जाएंगे. तो अभी नेक्स्ट डे के लिए क्या टेरिटरी है, ये जो प्रीवियस डे का हाई है, इसके नीचे बेरिश जोन है, जिसमें पुट पे फोकस करना है, और हाई के ऊपर जाने के बाद बुलिश जोन में आप कॉल बाय करोगे. तो अगले दिन अगेन रेड कैंडल बनाए, मार्केट क्या कर रहा है, नया लो बनाते जा रहा है. तो डेली आप पुट पे फोकस करोगे, और डेली आपको क्या करना है, अगेन नेक्स्ट डे प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है, हाई के नीचे पुट में काम करो, हाई के ऊपर कॉल पे फोकस करना है. अभी नेक्स्ट डे क्या हो गया है, मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया और हाई के ऊपर क्लोज कर दिया. और जैसे ही हायर क्लोज मिला, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो क्या हो जाता है, अप हो जाता है. जैसे डाउन ट्रेंड में हायर क्लोज, इट्स अ बुलिश सिग्नल. और एक बार ट्रेंड अप हो गया, तो अगले दिन अगर आपको ट्रेड करना है, तो आपको क्या करना है, जो बुलिश कैंडल है उसका लो मार्क करना है, और ये लो के ऊपर पूरा बुलिश एरिया है, और ये लो के नीचे बेरिश टेरिटरी है. तो लो के ऊपर जब तक मार्केट है, आप कॉल पे फोकस करोगे, और कॉल में बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे. तो अगले दिन से आपको सिर्फ बाउंस के बारे में, कॉल के बारे में सोचना है. कब तक, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का लो ना ब्रेक करे. और जैसे ही मार्केट लो के नीचे आ गया, इमिजिएटली आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो. तो जैसे ही ट्रेंड अप हो गया, अगले दिन से आपको क्या करना है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करना है, कॉल में फोकस करना है, और लो के नीचे ही आप पुट के बारे में सोचोगे. तो नेक्स्ट डे क्या हो गया, बुलिश कैंडल बना, अगेन यहाँ में कॉल में आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे. उसके अगले दिन काम करना है, तो आपको क्या करना है, अगेन प्रीवियस डे का लो मार्क करना है, और अगले दिन लो के ऊपर कॉल में काम करो, लो के नीचे पुट में काम करो. तो डेली आप देखोगे अगेन ये बुलिश और बेरिश जोन चेंज होंगे. अगेन नेक्स्ट डे क्या होगा, मार्केट अगर बुलिश कैंडल बनाता है, नेक्स्ट डे अगेन ये बुलिश कैंडल का लो मार्क करो. तो जब तक मार्केट लो नहीं ब्रेक कर रहा है, कॉल में काम करते जाओ, कॉल में बड़े प्रॉफिट कमाते जाओ बुलिश टेरिटरी में. और जैसे ही मार्केट लो तोड़ेगा, जिस दिन मार्केट लो के नीचे आएगा, पहला बेरिश सिग्नल आपको मिलेगा, और जैसे ही मार्केट लो के नीचे क्लोजिंग देगा, ये कंफर्मेशन होगा कि अप ट्रेंड एंड हो गया है और अभी डाउन ट्रेंड चालू हो गया है. तो जैसे ही लोअर क्लोज मिलेगा, ट्रेंड अगेन क्या हो गया, डाउन हो गया. तो डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे अगर ट्रेड करना है, अभी आपको प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है, और यहां से क्या होगा, अगेन डाउन ट्रेंड चालू होगा. यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, डाउन ट्रेंड में कॉल बाय करके होल्ड करते हैं, जो उनका जीरो हो जाता है, और अप ट्रेंड में रोज पुट बाय करते जाते हैं, और जिससे उनका पूरा मार्जिन जीरो हो जाता है. तो ज्यादातर लोग ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं. तो यहाँ आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना है जो अभी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था. अप ट्रेंड में अगर मार्केट है, बुल रैली चालू है, तो कॉल में बड़े प्रॉफिट कमाते जाओ.
और पुट के बारे में कभी सोचना है, कितना भी स्ट्रांग बेरिश सिग्नल मिले कि मार्केट क्रैश होने वाला है, गिरने वाला है, पुट कभी आप बाय करोगे जब भी मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे आएगा, इमीडिएटली पुट बाय करो, और लो के नीचे अगर क्लोज दे रहा है वो पुट में डिलीवरी ले लो, 1 या 2 दिन में ही आपका अमाउंट डबल हो जाएगा, काफी बड़ा प्रॉफिट आप कमाओगे निफ्टी पुट में। पर अप ट्रेंड में लो के ऊपर अगर आप पुट बाय करके होल्ड करते हो तो इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, जुगाड़ बोलते हैं, और ऐसे जुगाड़ खेलोगे तो अमाउंट जीरो होगा। वैसे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले कि मार्केट एक बड़ा बाउंस देने वाला है, कॉल कभी आप बाय कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट हाई के ऊपर जाएगा, बुलिश जोन में जाएगा, हायर ब्रेकआउट पे ही आपको कॉल बाय करना है, हाई के नीचे कॉल आपको बाय नहीं करना है, या हाई के नीचे अगर यहाँ पे आप कॉल बाय करके होल्ड करते हो, डिलीवरी लेते हो, तो इसको जुगाड़ बोलते हैं। तो अगर हायर ब्रेकआउट पे आप कॉल बाय करते हो, 3:30 बजे का क्लोजिंग शुड बी अबव प्रीवियस डेज हाई, तो ही ये कॉल में आप डिलीवरी लोगे, जो आगे फिर कभी भी एंट्री आपका फेल नहीं होता है। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट, बुलिश और बेरिश टेरिटरीज आपको बहुत प्रॉपरली फॉलो करने हैं, कभी भी आपके ट्रेड में लॉस नहीं होता है, या कभी भी आप रॉन्ग डायरेक्शन में आपका एंट्री ट्रैप नहीं होता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू डिसाइड व्हेन टू टेक रिस्क एंड अर्न बिग प्रॉफिट, यानी कौन से ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमाना है और कौन से ट्रेड में लिमिटेड प्रॉफिट बुक करना है, और कौन से ट्रेड में काम ही नहीं करना है, ये कैसे डिसाइड करना है कैंडलस्टिक से, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ, इम्पल्स और करेक्टिव वेव कंसेप्ट। ये इलियट वेव का कंसेप्ट है जो यहाँ बेसिक कोर्स में मैं सिखाता हूँ। इमेजिन करो मार्केट अप ट्रेंड में है, यह आपको दिख रहा है रोज मार्केट नया हाई बना रहा है, 3 दिन मार्केट ऊपर गया है और प्रीवियस डे का लो नहीं ब्रेक कर रहा है, तो ये मार्केट जो ऊपर जाता है ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऊपर जाएगा। तो अगर ये डेली चार्ट है निफ्टी का, तो निफ्टी का अगर 30 मिनट चार्ट आप देखोगे तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देगा, इसको ट्रेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रोज मार्केट नया हाई जनरेट करते जाएगा और मार्केट प्रीवियस डे का लो प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ मूवमेंट कैसा आता है, मार्केट ऊपर जाएगा फिर एक इंट्राडे फॉल देता है, एक इंट्राडे लो बनाएगा और अगेन मार्केट ऊपर नया हाई बनाने जाएगा। अभी यहाँ इम्पल्स और करेक्टिव वेव कैसे हम लोग मार्क करते हैं, जो भी मूवमेंट है जो ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा है उसको इम्पल्स बोलते हैं। अब ये इम्पल्स क्या होता है, मार्केट काफी शार्प मूवमेंट देता है, काफी बड़ा मूवमेंट देता है। यहाँ अगर आप प्रीमियम देखोगे, कॉल पुट के प्रीमियम काफी फास्ट बढ़ते हैं। तो एक इम्पल्स पे 50 to 100% प्रॉफिट बहुत इजीली आप कमा सकते हो निफ्टी ऑप्शन में। तो जब भी इम्पल्स मिलेगा, इम्पल्स में क्या होता है, मार्केट एक बहुत बड़ा वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, टाइम बहुत कम लेता है, तो इम्पल्स पे क्या होता है, प्रीमियम काफी फास्ट बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ वोलाटिलिटी फैक्टर। फिर जब भी इंपल्स कंप्लीट होता है, मार्केट एक करेक्शन देता है, करेक्टिव वेव बनाने के लिए नीचे आएगा, तो जो भी मार्केट का मूवमेंट है इंट्राडे मूवमेंट जो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन का होता है उसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। अभी करेक्टिव वेव क्या होता है, करेक्टिव वेव बहुत डल होता है जहां पे मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड मूवमेंट देता है। तो करेक्टिव वेव में क्या है, मार्केट वर्टिकल डिस्टेंस बहुत कम कवर करेगा और टाइम बहुत ज्यादा लेगा, यानी हॉरिजॉन्टल टाइम वो बहुत ज्यादा लेता है। ये जो करेक्टिव वेव मार्केट फॉर्म करता है, ये जो पीरियड रहता है कुछ घंटों का, ये पीरियड बहुत खराब रहता है जहां पे आपके मल्टीपल लॉसेस हो सकते हैं, जहां पे टाइम वैल्यू जो है, ऑप्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल पुट बाय कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहे, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो जब भी आप कॉल पुट बाय करते हो टाइम वैल्यू का एक डिसएडवांटेज आपको मिलता है, ये कंसेप्ट आपको कोर्स में सिखाया जाता है। तो जब भी ये करेक्टिव वेव चलता है तभी आइदर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं या आपका टाइम वैल्यू का आपका लॉस हो सकता है। तो यहाँ इन शॉर्ट जो इम्पल्स है, ये ऐसा पीरियड होता है जहां पे रिस्क बहुत कम होता है और रिवॉर्ड काफी बड़ा होता है, जहां पे एक एक ट्रेड में आप 50 to 100% कमा सकते हो 1 या 2 दिन में, दिस इज रिवॉर्ड। तो जब भी आप इंपल्स पे काम करते हो आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो, बड़े अमाउंट पे काम कर सकते हो। और जब भी करेक्टिव वेव चालू होता है, ये ऐसा पीरियड होता है जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा रहता है और रिवॉर्ड बहुत कम रहता है। तो ये करेक्टिव वेव पे, ये करेक्टिव पीरियड में अगर आप काम ही नहीं करोगे तो भी चलेगा, या यहाँ अगर आपको काम करना है, जितना कम काम करोगे उतना आपका पैसा बचेगा। तो करेक्टिव वेव पे हम लोग लिमिटेड ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ एक टारगेट काम करते हैं, और जैसे ही छोटा प्रॉफिट हमें मिल गया 12 से 15%, उसके आगे ट्रेडिंग हम लोग नहीं करते जब तक ये पूरा करेक्टिव वेव कंप्लीट नहीं होता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स है जो करेक्टिव वेव में काम ही नहीं करते। तो ये लोग क्या करते हैं, इमेजिन करो यहाँ पे एक इम्पल्स कंप्लीट हो गया है, इसके बाद मार्केट जब भी गिरना चालू हो गया,
वो क्या करेगा, करेक्टिव वे बनाने आएगा, तो वो फॉल पे आप काम नहीं करोगे, फॉल कंप्लीट होने का वेट करोगे, और जैसे ही फॉल कंप्लीट होगा और अगला बाउंस चालू होगा, यानी अगला इंपल्स चालू होगा, यहाँ पे आपको कॉल बाय करना है और आपको छोड़ देना है। एक ही ट्रेड में आप 50-100% कमा सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं बाय ऑन डिप। तो बाय ऑन डिप का कंसेप्ट क्या है, अप ट्रेंड में जब भी आपको डिप मिलता है, इंट्राडे डिप आता है, वो डिप पे आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। ओके, वो डिप बनाने के बाद मार्केट फिर से जब भी ऊपर जाना चालू होगा, वहां पे आपको कॉल बाय करके बड़ा प्रॉफिट कमाना है। ये कंसेप्ट है बाय ऑन डिप। अभी अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सिखाया है, बुलिश और बेरिश जोन। तो अप ट्रेड में प्रीवियस डे का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर बुलिश जोन होता है। तो बुलिश जोन में जो कॉल होता है वो इंपल्स होता है, और जो पुट होता है वो करेक्टिव होता है। ओके, तो अभी अभी कंसेप्ट मैंने क्या सीखा है आपको, इंपल्स जैसे ही आपको सिग्नल मिले, इंपल्स ट्रेड आने वाला है, उसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम रिस्क लेना है, बड़ा प्रॉफिट कमाने जाना है। और जैसे ही आपको सिग्नल मिले, जो ट्रेड अभी आपको मिलने वाला है इंट्राडे का, वो करेक्टिव ट्रेड है, तो आपको क्या करना है, लिमिटेड ट्रेड करना है, सिंगल टारगेट प्रॉफिट बुक करना है। जितना कम काम करोगे करेक्टिव ट्रेड्स में, उतना बड़ा मंथली इनकम आप कमाओगे और उतने लॉसेस आपके कम रहेंगे इंट्राडे के। ओके, तो इमेजिन करो बुलिश जोन में मार्केट है, और यहाँ पे अगर इंट्राडे में मुझे कॉल बाय सिग्नल मिले तो उसमें मैं बड़ा प्रॉफिट लेने जाऊंगा, बिकॉज वो मेरा इंपल्स ट्रेड है। ओके, लो के ऊपर इमेजिन करो अगर मुझे मार्केट गिरने का सिग्नल मिले, सुबह सुबह पुट बाय सिग्नल मिले, तो वो पुट क्या है, लो के ऊपर बुलिश जोन में पुट क्या हो गया, करेक्टिव ट्रेड। तो पुट में मैं सिंगल टारगेट प्रॉफिट कमाऊंगा। ओके, और जैसे ही मार्केट गिरेगा मैं वेट करूंगा मार्केट फिर से बाउंस बैक देने का, जिसपे मैं बाय ऑन डिप करूंगा और कॉल में बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा। ओके, पर लो के नीचे जैसे ही मार्केट आएगा, यहाँ पे क्या होता है, बेरिश जोन चालू होता है, और बेरिश जोन में पुट जो होता है वो इंपल्स होता है और कॉल करेक्टिव होता है। तो जैसे ही मार्केट लो ब्रेक करेगा, लो के नीचे आएगा, यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे और पुट में बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश आप कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, लो के अप ट्रेंड में, लो के ऊपर बुलिश जोन में अगर आपको पुट सिग्नल मिले, आपको सिंगल टारगेट कमाना है, बिकॉज वो करेक्टिव ट्रेड है। पर जैसे ही मार्केट लो के नीचे आए, बेरिश टेरिटरी में आए, लोअर ब्रेकआउट पे आप पुट बाय करोगे, जिसमें आप बड़ा प्रॉफिट कमाने जा सकते हो, लाइक 50-100%। और लो के नीचे अगर क्लोज हो रहा है मार्केट, तो वो पुट में आप डिलीवरी भी ले सकते हो। अभी डाउन ट्रेंड में कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट रोज नया लो ब्रेक करेगा, प्रीवियस डे का हाई प्रोटेक्ट करेगा। तो जो मार्केट गिरा है यार 3 दिन, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट गिरेगा, बीच में ये एक थोड़ा बाउंस बैक देता है। अब ये बाउंस बैक क्यों होता है, बिकॉज जैसे ही मार्केट गिरता है मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है। ओके, तो उसके बाद एक थोड़ा सा बाउंस बैक आता है, रैली आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैली। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जो भी मूवमेंट है, जो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रही है, वो इम्पल्स होते हैं। तो डाउन ट्रेंड में एवरी फॉल इज इम्पल्स ट्रेड, एवरी पुट इज इम्पल्स ट्रेड। तो इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है, काफी बड़ा मूवमेंट मार्केट कवर करेगा, जहां पे पुट के प्रीमियम काफी फास्ट बढ़ते हैं, पुट में काफी बड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। और जो भी बाउंस बैक आता है मार्केट में, जो भी मूवमेंट है जो डाउन ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, वो क्या रहता है, करेक्टिव वेव्स। तो ये करेक्टिव वेव्स बहुत डल रहते हैं, जहां पे मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड मूवमेंट, काफी डल मूवमेंट दे सकता है। तो जैसे ही डाउन ट्रेंड चालू होगा, आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, डाउन ट्रेंड में अगर इंट्राडे में पुट सिग्नल मिले, पुट में आप बड़ा प्रॉफिट कमाओगे। डाउन ट्रेंड में जैसे ही लोअर ब्रेकआउट सिग्नल मिले, अगेन आप पुट में बड़ा प्रॉफिट कमाने जाओगे। ओके, पर डाउन ट्रेंड में अगर आपको बाउंस बैक मिले, कॉल ट्रेड मिले, तो उसमें आपको लिमिटेड प्रॉफिट बुक करना है, बिकॉज डाउन ट्रेंड में जो बाउंस आता है वो करेक्टिव वेव रहता है। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो डाउन ट्रेंड में बाउंस में काम करते ही नहीं है। ओके, जब भी बाउंस चालू होता है वो बाउंस कंप्लीशन का वेट करते हैं, और जैसे ही फॉल चालू होता है वहां पे वो पुट बाय करके बड़ा प्रॉफिट कमाने जाते हैं। ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं सेल ऑन रैली। ओके, तो डाउन ट्रेंड में जैसे ही बाउंस बैक आएगा, जिसको हम लोग रैली बोलते हैं, तो वो रैली कंप्लीशन का वेट करो, वो कंप्लीट होने के बाद जैसे ही फॉल चालू होगा, वहां पे पुट बाय करके आप इमीडिएटली 1 या 2 दिन में 50-100% प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, सेल ऑन रैली। तो डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना है, पुट में बड़ा प्रॉफिट कमाना है, 50-100% सेल ऑन रैली करना है। और डाउन ट्रेंड में जब भी कॉल ट्रेड आपको मिले, आपको आइदर लिमिटेड प्रॉफिट बुक करना है, ओनली वन ट्रेड फॉर वन टारगेट, या अगर आप कॉल में काम नहीं करोगे तो भी चलेगा। कॉल में कभी आप काम करोगे, जब भी मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाएगा बुलिश जोन में। तो अभी अभी एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं हम लोग, प्रीवियस डे का हाई मार्क करते हैं। तो प्रीवियस डे के हाई के नीचे क्या होता है, बेरिश जोन रहता है। ओके, तो मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, प्रीवियस डे के हाई के नीचे अगर मुझे इंट्राडे में पुट बाय सिग्नल मिले, मार्केट गिरने का सिग्नल मिले, तो मैं क्या करूंगा, पुट में बड़ा प्रॉफिट लेने जाऊंगा, बिकॉज बेरिश जोन में पुट क्या होता है, इंपल्स होता है। तो यहाँ मैं पुट बाय करूंगा, डायरेक्टली 50-100% कमाने जाऊंगा, दिस विल बी माई सेल ऑन रैली ट्रेड।
पर हाई के नीचे अगर मुझे बाउंस का सिग्नल मिले, कॉल का सिग्नल मिले, तो बेरिश जोन में कॉल क्या होता है, करेक्टिव ट्रेड रहता है। तो ये कॉल में क्या करूंगा, मैं सिंगल टारगेट प्रॉफिट बुक करूंगा। जितना कम काम करोगे ना करेक्टिव वेव पे, उतना बड़ा मंथली इनकम कमाओगे और उतने लॉसेस आप जीरो कर दोगे। ओके, तो अगर आपको कॉल के बारे में सोचना है, तो कभी सोचोगे जब भी मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाएगा, जहां बुलिश जोन चालू होता है, तो बुलिश जोन में कॉल ट्रेड क्या होता है, इंपल्स होता है, और बुलिश जोन में पुट ट्रेड करेक्टिव होता है। तो जैसे ही मार्केट हाई के ऊपर जाएगा, कॉल बाय करो, डायरेक्टली इसमें आप 50 to 100% कमाने जा सकते हो, बिकॉज वो इंपल्स हो गया कॉल अभी। तो हाई के ऊपर अगर आप कॉल बाय करते हो और अगर मार्केट हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो ट्रेंड बुलिश हो गया, ये कॉल में आप डिलीवरी भी लेके जा सकते हो। तो ये इंपल्स और करेक्टिव कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी मार्केट में आप लॉसेस नहीं देखोगे अगर ये कंसेप्ट बहुत सीरियसली आप फॉलो करोगे। तो इन शॉर्ट मैं क्या बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो मार्केट में अमाउंट आपको डबल करना है, ऑप्शन सेगमेंट में 50 to 100% कमाने हैं, तो कहाँ पे कमाओगे, इंपल्स पे। और अगर आपको करेक्टिव ट्रेड का सिग्नल मिले, आप आइदर काम ही मत करना या आपको सिंगल टारगेट प्रॉफिट बुक करना है, करेक्टिव वे पे जितना ज्यादा काम करोगे उतना बड़ा पैसा आप देके आओगे शेयर मार्केट में। तो यह एक जस्ट बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस डे का लो मार्क करते हैं। अभी अगले दिन अगर मैं ट्रेड करने बैठूँ और सुबह सुबह मार्केट गिरने का सिग्नल मिले, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मार्केट अगर गिर रहा है तो मुझे पुट बाय करना है। पर ये जो फॉल है सपोर्ट के ऊपर, ये क्या है, बुलिश जोन है। तो बुलिश जोन में अगर मुझे पुट मिल रहा है, ये क्या है, मेरा करेक्टिव ट्रेड है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, पुट बाय करूंगा और सिंगल टारगेट, ओनली वन टारगेट काम करूंगा, जिसमें हम लोग 12 से 15% कमाने जाएंगे। हम लोग करेक्टिव वेव पे काम करते हैं, ओके, बिकॉज हमारे जो इंट्राडे टेक्निक है, करेक्टिव वेव पे भी आप 12 से 15% कमा सकते हो, पर एक ही टारगेट आपको काम करना है, इसमें आपको करेक्टिव वेव पे बड़ा प्रॉफिट कमाने नहीं जाना है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, बुलिश जोन में हमें पुट ट्रेड मिला है तो वो करेक्टिव ट्रेड है, तो क्या करना है, पुट बाय करना है और लिमिटेड वन टारगेट प्रॉफिट बुक करना है। इमेजिन करो अप ट्रेंड में अगर मुझे सुबह सुबह बाउंस का सिग्नल मिले, ओके, तो यहाँ पे जो बाउंस सिग्नल मिला है कॉल बाय करना है, तो बुलिश जोन में अगर मुझे बाउंस का सिग्नल मिले तो ये क्या है, कॉल इंपल्स सिग्नल मुझे मिला है, तो मैं कॉल बाय करूंगा और एक ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमाने जाऊंगा। तो इंट्राडे है तो 50% कमाने जाओ, अगर आप डिलीवरी ले रहे हो तो यही ट्रेड में आप 100% कमाने जा सकते हो, ये कॉल में आप डिलीवरी भी ले सकते हो। ओके, तो बुलिश जोन में अगर कॉल ट्रेड मिले, इंपल्स है, जिसमें आप क्या करोगे, बड़ा प्रॉफिट कमाने जाओगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय ऑन डिप ट्रेड। अब इमेजिन करो अप ट्रेंड में अगर आज मुझे सिग्नल मिले इंट्राडे में, मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे आ गया, सुबह से 11 बजे मार्केट ने लो ब्रेक किया, तो ये क्या है, लोअर ब्रेकआउट, इट्स अ बेरिश सिग्नल। अभी आपको क्या दिख रहा है, मार्केट बेरिश टेरिटरी में आ गया है लो के नीचे। ओके, तो लो ब्रेकआउट में क्या है, बेरिश जोन में मार्केट आ गया है, तो जो अभी पुट आप बाय करने जाओगे, पुट ट्रेड क्या हो गया, इंपल्स ट्रेड हो गया है। ओके, जब तक मार्केट लो के ऊपर है, यहां अगर पुट मिला तो हमने लिमिटेड प्रॉफिट कमाया था, बिकॉज ये बुलिश जोन था। पर जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में लो के नीचे आ गया, बेरिश जोन में आ गया, तो यहाँ पे आप पुट बाय करोगे, जिसमें आप बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे। तो लोअर ब्रेकआउट, इट्स अ बेरिश सिग्नल, और अगर मार्केट लो के नीचे क्लोज दे रहा है, तो ये पुट में आप डिलीवरी लेके भी जा सकते हो। अभी चौथा इंपॉर्टेंट सिग्नल है, मार्केट अप ट्रेंड में है, इमेजिन करो मार्केट लो के नीचे अगर ओपन होता है और लो के ऊपर आता है इंट्राडे में। ओके, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, लो के नीचे मार्केट ओपन हो गया है बेरिश जोन में, और अभी लो के ऊपर आ रहा है बुलिश जोन में, तो इसको बोलते हैं लो रिवर्स ब्रेकआउट, इट्स अ बुलिश सिग्नल, बिकॉज मार्केट अगेन बुलिश जोन में आ गया है, तो जो कॉल है वो आपको यहाँ पे बाय करना है, कॉल ट्रेड आपका इंपल्स हो गया है, कॉल में आप बड़ा प्रॉफिट कमाने जाओगे, तो ये आपका क्या सिग्नल है, बाय ऑन डिप सिग्नल। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, कि बुलिश जोन में आपको कॉल के बारे में सोचना है, पुट के बारे में नहीं सोचना है, और बेरिश जोन में आपको पुट के बारे में सोचना है, कॉल के बारे में नहीं सोचना है। तो ऐसे हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं कि कौन से ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमाना है इंपल्स, कौन से ट्रेड में काम नहीं करना है या सिंगल टारगेट लिमिटेड टारगेट कमाना है, दैट इज करेक्टिव ट्रेड। ओके, फिर हम लोग ऐसे ब्रेकआउट्स भी फॉलो करते हैं, अप ट्रेंड में लोअर ब्रेकआउट, इट्स अ बेरिश सिग्नल, पुट बाय इंपल्स, पुट में बड़ा प्रॉफिट, और अप ट्रेंड में लो के नीचे ओपन होके अगर लो के फिर से ऊपर आ गया, लो रिवर्स ब्रेकआउट, बुलिश जोन में आ गया है, कॉल इंपल्स बन गया, कॉल में बड़ा प्रॉफिट कमाना है, इसको हम लोग बाय ऑन डिप बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट रोज नया लो ब्रेक करेगा, पर प्रीवियस डे का हाई प्रोटेक्ट करेगा, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होने देगा। तो प्रीवियस डे के हाई के नीचे बेरिज एरिया, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बुलिश एरिया। तो इमेजिन करो सुबह सुबह नेक्स्ट डे अगर मुझे बाउंस का सिग्नल मिले हाई के नीचे, तो ये जो बाउंस है
ये करेक्टिव मोमेंट हो गया, बिकॉज बेरिश जोन में अगर आपको कॉल ट्रेड आ रहा है तो ये क्या है, करेक्टिव ट्रेड है, तो क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, सिंगल टारगेट बुक करेंगे, लिमिटेड प्रॉफिट बुक करना है। ये कॉल में कभी भी मैं बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज वो मेरा करेक्टिव ट्रेड है। ओके, ओनली वन ट्रेड एंड ओनली फॉर वन टारगेट। तो ये बाउंस पे हम लोग काम नहीं करेंगे, पर ये बाउंस कंप्लीट होने के बाद अगर मार्केट गिरना चालू हो गया, उसमें पुट में हम लोग बड़ा प्रॉफिट कमाने जाएंगे, उसको हम लोग सेल ऑन रैली बोलेंगे। अगर इमेजिन करो मार्केट गिरना चालू हो गया, सुबह सुबह आपको पुट बाय सिग्नल मिले, बेरिश जोन है, बेरिश जोन में पुट बाय सिग्नल मिला है, तो वो क्या हो गया, इंपल्स ट्रेड आपको मिला है, जिसमें आप क्या करोगे, एक ही ट्रेड में 50 to 100% कमाने जाओगे, बिकॉज ये इंपल्स ट्रेड हो गया। तो जब भी इंपल्स मिले, बड़े अमाउंट पे काम करो, मैक्सिमम रिस्क ले लो, बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करो, इसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑन रैली। डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करे, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया है, बेरिश जोन से अभी मार्केट बुलिश जोन में गया है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इमीडिएटली आपको कॉल बाय करना है और कॉल में बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे, बिकॉज हायर ब्रेकआउट इट्स अ बुलिश सिग्नल, बुलिश जोन में मार्केट आ गया, तो कॉल अभी क्या हो गया है, यहाँ पे हाई के नीचे जो कॉल है वो करेक्टिव था, ओके, और जैसे ही हाई के ऊपर आ गया ये कॉल इंपल्स हो गया है, तो आप उसमें बड़ा प्रॉफिट कमाने जाओगे। ओके, और चौथा क्या हो सकता है, अगर मार्केट हाई के ऊपर कहीं से नीचे आता है, फिर से डाउन ट्रेंड में मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके नीचे आता है, तो जो बुलिश जोन है उससे मार्केट बेरिश जोन में आ गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई रिवर्स ब्रेकआउट। जो पुट ट्रेड है वो इंपल्स बनेगा, जिसमें आप बड़ा प्रॉफिट लेने जा सकते हो। तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है, ये पुट आपका करेक्टिव ट्रेड रहेगा, पर जैसे ही वो हाई के नीचे आएगा, बेरिश जोन में वो इंपल्स बनेगा, तो यहाँ पे आप सेल ऑन रैली कर सकते हो, पुट में 50 to 100% एक ही दिन पे आपका बन जाएगा। सो ये हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है। अगर ये सिंपल कंसेप्ट आप फॉलो करते हो, इम्पल्स बिग प्रॉफिट, करेक्टिव यो लिमिटेड प्रॉफिट, अगर ये कंसेप्ट आप फॉलो करते हो, 95% इंट्राडे और डिलीवरी के लॉसेस आप जीरो कर सकते हो और काफी बड़ा मंथली इनकम आप यहाँ पे कमा सकते हो। ओके, तो जो भी मेरा कोर्स है, मेरे कोर्स में मैं यही सिखाता हूँ इंपल्स ट्रेड आइडेंटिफाई करना, जो टेक्निक्स मैं सिखाता हूँ, इंट्राडे ब्रेकआउट, टाइम साइकिल टेक्निक और डिलीवरी टेक्निक, इस पे हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में इंपल्स ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं और एक एक ट्रेड में 50 to 100% प्रॉफिट हम लोग कमाने जाते हैं, निफ्टी ऑप्शन में, निफ्टी कॉल पुट में। अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पहले मैं देना चाहूंगा कि यहाँ जितने भी ट्रेड्स मैंने दिखाए अब तक स्क्रीन पे, जैसे करेक्टिव ट्रेड है, इंपल्स ट्रेड है, हाई ब्रेकआउट लो ब्रेकआउट ट्रेड, या हाई रिवर्स ब्रेकआउट लो रिवर्स ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट ट्रेड्स आते हैं, ओके, तो यहाँ पे जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं इंपल्स पे या करेक्टिव वे पे, आपको रैंडमली कहीं पे भी कॉल या पुट बाय नहीं करना है, इसके साथ आपको इंट्राडे टेक्निक यूज करना है जो मैं कोर्स में सिखाता हूँ, तो इसके साथ गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये दोनों कंसेप्ट आपको फॉलो करने हैं। अगर आप गैन टेक्निक और ओपन इंटरेस्ट डेटा ये कैंडलस्टिक कंसेप्ट के साथ यूज करते हो, तो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग का एक्यूरेसी 95% के ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट कभी आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, जैसे यहां पे मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ओके, तो प्रीवियस डे का हाई क्या होता है, रेजिस्टेंस रहता है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया, यहाँ पे आपको बुलिश सिग्नल मिलता है, पर यहाँ मार्केट क्या करेगा, कुछ मिनट्स ही सस्टेन करेगा हाई के ऊपर और सीधा यहां से गिरना चालू होगा। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे आप कॉल बाय करते हो, सीधा यहाँ पे आपका कॉल का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। ओके, सेकंड थिंग, इमेजिन करो अगर यहाँ पे आप कॉल बाय करते हो, ये रेजिस्टेंस है, ओके, तो मार्केट यहाँ पे 5-6 बार ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर नीचे मूवमेंट दे सकता है, तो मल्टीपल यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेंगे, हाई ब्रेकआउट, हाई रिवर्स ब्रेकआउट, हाई ब्रेकआउट, तो सिर्फ हाई के ऊपर जाने के बाद आप कॉल नहीं बाय कर सकते। अगर कैंडलस्टिक प्लस गैन टेक्निक प्लस ओपन इंटरेस्ट डेटा यहाँ पे आपको बुलिश सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ पे कंफर्म प्रॉफिट आपको मिलता है, ये ट्रेड कभी भी आपका फेल नहीं होता है। ओके, सेकंड थिंग, जब भी आप कॉल बाय करते हो, ओके, गैन टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, ये हाई के नीचे एक स्टॉप लॉस अप्लाई करते हैं, तो गैन टेक्निक आपको ये भी बताता है कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना है। ओके, तो अगर मार्केट एक बार आपने कॉल बाय किया, ये लाइन के नीचे भी आता है, तो भी ये कॉल आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लेवल है वहां तक वो कॉल आपको होल्ड करना है। तो फॉर एंट्री एंड फॉर एग्जिट एंड फॉर टारगेट हमें गैन टेक्निक यूज करना पड़ता है, और यहाँ पे जो हाई के ऊपर हम लोग कॉल बाय कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक ऐसा सिग्नल मिलना चाहिए कि यहाँ से बाउंस बैक आएगा, मार्केट फिर से गिरेगा नहीं, और वो सिग्नल आपको कौन देगा, ओपन इंटरेस्ट डेटा। अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे रहा है, तो ये ट्रेड कभी भी फेल नहीं होता है, इसका स्टॉप लॉस कभी भी ट्रिगर नहीं होता है।
तो ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो करेक्टिव कॉल ट्रेड है, यहाँ पे इम्पल्स पुट ट्रेड है, यहाँ पे हाई ब्रेकआउट कॉल ट्रेड है इम्पल्स, और यहाँ पे हाई रिवर्स ब्रेकआउट पुट ट्रेड है इम्पल्स। हर एक ट्रेड के साथ गैंग और ओपन इंटरेस्ट डेटा ने भी सिग्नल देना चाहिए, तो ही ये ट्रेड आप करोगे। जैसे यहाँ पे हाई के नीचे आ गया, ये सिग्नल है पुट बाय करना है बेरिश टेरिटरी में। यहाँ पे गैंग टेक्निक और ओपन इंटरेस्ट डेटा जब तक बेरिश सिग्नल नहीं देते तब तक हम लोग ये पुट बाय नहीं करते, और जैसे हम लोग पुट बाय करेंगे यहाँ पे गैंग टेक्निक से हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये बड़ा फॉल हम लोग एंजॉय करते हैं। ओके, तो ऐसे ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। यहाँ जस्ट मैं कैंडलस्टिक कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, पर ये कैंडलस्टिक कंसेप्ट हम लोग इंट्राडे टेक्निक के साथ यूज करने वाले हैं, जिससे यही ट्रेड्स का एक्यूरेसी 95% के ऊपर जाता है, कोई भी ट्रेड आपका फेल नहीं होता है। और जितने भी मार्केट ट्रैप्स देता है बीच बीच में, जहाँ पे आपके लॉसेस हो सकते हैं, वो लॉसेस सारे हमारे बच जाते हैं, बिकॉज गैन टेक्निक और ओपन इंटरेस्ट डेटा आपके सारे लॉसेस मिनिमाइज कर देंगे। अभी यार जितने भी कंसेप्ट अब तक मैंने वीडियो में दिखाए, वो सारे कंसेप्ट अभी मैं एक चार्ट पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कैसे कैंडलस्टिक पे आप काम कर सकते हो। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, इमेजिन करो ये प्रीवियस डे का कैंडल है। तो प्रीवियस डे क्या हुआ है, मार्केट ने लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ट्रेंड अभी डाउन हो गया है बिकॉज मार्केट ने लोअर क्लोज दिया है। ओके, तो अगले दिन क्या करते हैं हम लोग, डाउन ट्रेंड में नेक्स्ट डे अगर मुझे काम करना है, प्रीवियस डे का हम लोग हाई मार्क करते हैं, हाई के नीचे बेरिश टेरिटरी है, हाई के ऊपर बुलिश टेरिटरी। तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट गिरना चालू हो गया, पुट में हम लोग बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, बिकॉज डाउन ट्रेंड में पुट क्या होता है, इंपल्स ट्रेड होता है। ओके, तो नेक्स्ट डे क्या हो गया है, मार्केट गैप ओपन हो गया है और सीधा गिरना चालू हो गया है। तो सुबह सुबह जब भी गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा टेक्निक आपको पुट बाय सिग्नल देगी, बेरिश सिग्नल देगी, आपको क्या देखना है, बेरिश टेरिटरी में आप पुट बाय कर रहे हो या आपका इंपल्स ट्रेड है, तो इसमें आपको 50 to 100% प्रॉफिट कमाने जाना है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे का टारगेट हम लोग 50% पकड़ते हैं, जैसे 50% मिलता है ट्रेड हम लोग क्लोज करते हैं। अगर आप डिलीवरी ले रहे हो तो एक ही ट्रेड में आप 100% भी कमा सकते हो, या ये पुट आप होल्ड भी कर सकते हो अगले दिन के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पुट बाय करेंगे बिग प्रॉफिट बिकॉज इट इज इंपल्स ट्रेड। फिर ये जो मार्केट लो ब्रेक करेगा, ये अगेन कंफर्मेशन होगा कि बेयर्स में पावर है, जो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे सपोर्ट ब्रेकआउट। ओके, तो इस दिन आप काफी बड़ा प्रॉफिट कमाओगे। अभी नेक्स्ट डे अगर आप काम करने बैठोगे, अगेन आपको क्या करना है, ये हाई मार्क करना है। ओके, तो ये हाई के नीचे अगर पुट ट्रेड आए, अगेन आप पुट में बड़ा प्रॉफिट कमाओगे, और ये हाई के नीचे अगर आपको कॉल ट्रेड आए, सुबह सुबह अगर मार्केट ऊपर जाता है बुलिश सिग्नल देता है, तो वो कॉल ट्रेड क्या रहेगा, करेक्टिव, तो उसमें आपको सिंगल टारगेट प्रॉफिट कमाना है। और जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा, कॉल इंपल्स होगा जिसमें आप बड़ा प्रॉफिट लेने जा सकते हो। अभी नेक्स्ट डे देखो अगेन क्या हुआ है, मार्केट ने लो ब्रेक किया है और ये पुट में अगेन मैं क्या करूंगा, एक ही दिन में 50 to 100% कमाऊंगा, बिकॉज दिस इज माय इंपल्स ट्रेड। हाई के नीचे कहीं पे भी मुझे पुट मिले, यहां में गैन और ओआई डेटा अगर बेरिश सिग्नल दे रहा है, तो मैं पुट में सीधा 50 to 100% कमाऊंगा। अभी नेक्स्ट डे अगेन क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है। ओके, सेम स्ट्रेटेजी आपको करते जाना है, जब तक मार्केट हायर ब्रेकआउट ना है आपको पुट में काम करते जाना है और आपको सेल ऑन रैली करते जाना है। अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ है, मार्केट ने एक नॉर्मल कैंडल बनाया। दो जी, अभी ये पैटर्न्स मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैंडल से अगले दिन का ट्रेंड कैसे प्रेडिक्ट करना है, कौन से टाइप के कैंडल्स बनते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक पे मैं कवर करने वाला हूँ। पर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस दिन मार्केट ने रेंज बाउंड मूवमेंट लिया है। ओके, तो इस दिन जो मुझे कॉल ट्रेड मिलेगा, कॉल ट्रेड में मैं सिंगल टारगेट प्रॉफिट बुक करूंगा, और जो भी पुट ट्रेड आएगा इस दिन मैं पुट में बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूंगा। ओके, अभी यहाँ पे अगेन ये नॉर्मल कैंडल बना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई मार्क करेंगे। कहीं पे भी मार्केट ने अभी तक हाई नहीं ब्रेक किया है प्रीवियस डे का, अभी यहाँ पे अगेन नेक्स्ट डे अगर मार्केट गिरा, मैं पुट में बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा, और नेक्स्ट डे अगर हाई ब्रेक हो गया तो मैं कॉल में बड़ा प्रॉफिट कमाने जा सकता है। अभी नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डेटा कोर्स में मैं टाइम साइकिल टेक्निक सिखाता हूँ, जिसमें अगले दिन मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा या आज ही कैसे प्रेडिक्ट करना है, टाइम साइकिल टेक्निक से एक्सप्लेन किया जाता है। तो नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे था, बॉटम डे था, जहाँ एक्सपेक्टेड था नेक्स्ट डे मार्केट गिरेगा और उसके अगले दिन मार्केट ऊपर जाएगा, बिकॉज अगर उसको बॉटम बनाना है तो अगले दिन जो गिरेगा उसके अगले दिन मार्केट ऊपर जाएगा बॉटम बना के। ओके, तो नेक्स्ट डे फॉल एक्सपेक्टेड था। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे मार्केट हाई के ऊपर ओपन हो गया है और ओपन होते ही सीधा गिरना चालू हो गया, तो ये हाई के ऊपर जो ओपन हो गया, यहां से जो हाई तक मार्केट गिरा है,
यहाँ पे जो पुट ट्रेड आपको मिलेगा ये करेक्टिव ट्रेड है, बिकॉज हाई के ऊपर क्या है, बुलिश टेरिटरी, यहाँ पे ये पुट करेक्टिव है। और जैसे ही मार्केट ये प्रीवियस डे के हाई के नीचे आएगा, मैंने क्या सीखा है, डाउन ट्रेंड में हाई के नीचे आ गया, हाई रिवर्स ब्रेकआउट, मार्केट अगेन बेरिश टेरिटरी में आ गया, ये हाई रिवर्स ब्रेकआउट पे आप पुट बाय करोगे अगर गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा बेरिश सिग्नल दे रहे हैं, और सीधा ये पुट में आप अमाउंट डबल कर सकते हो 50 to 100% इधर ही एक ही दिन में आपको मिल जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेल ऑन रैली। मार्केट गिरा है, यहाँ पे एक बाउंस बैक आ गया, ये करेक्टिव बाउंस है, इसको हम लोग रैली बोलते हैं, और ये बाउंस पे हम लोग काम नहीं करते। इसके बाद जो फॉल चालू होता है वो फॉल में हम लोग बड़ा प्रॉफिट कमाने जाते हैं पुट में, सेल ऑन रैली। ओके, अभी यहाँ पे मार्केट गिरा है, ये बॉटम डे है, तो नेक्स्ट डे क्या एक्सपेक्टेड है, मार्केट ने बाउंस देना चाहिए, टाइम साइकिल प्रेडिक्शन था। तो नेक्स्ट डे अगर बाउंस आता है मार्केट में तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो करेक्टिव बाउंस रहेगा और अगेन वो सेल ऑन रैली अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे प्रीवियस डे का हाई मार्क करते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट डे देखो बाउंस एक्सपेक्टेड था और यहाँ पे क्या आ गया, बाउंस आ गया और उसने प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक कर दिया। तो दिस इज टाइम साइकिल कंसेप्ट, मार्केट गिरा बॉटम बना के ऊपर गया है, पर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सुबह सुबह जो बाउंस आया है ये हाई के नीचे, वो क्या है, करेक्टिव बाउंस है। तो ये बाउंस पे आप क्या करोगे, कॉल में सिंगल टारगेट प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दोगे। यहाँ पे आपको कॉल में बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो यहाँ पे कॉल में 12-15% आप कमा के एग्जिट कर दोगे। फिर जैसे ही मार्केट हाई के ऊपर जाएगा, हायर ब्रेकआउट, ओके, तो हायर ब्रेकआउट पे क्या हो गया, जो मार्केट बुलिश टेरिटरी में आ गया है, यहाँ इमीडिएटली कॉल बाय करना है, बिकॉज कॉल ट्रेड अभी इंपल्स हो गया है और ये कॉल सीधा आप बड़े प्रॉफिट के लिए लेके जा सकते हो। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो आपका इधर ही 50% प्रॉफिट बन जाएगा, अगर आप डिलीवरी ट्रेडर हो तो आइदर 100% पे एग्जिट कर दो या ये कॉल में आप डिलीवरी भी ले सकते हो। तो हायर ब्रेकआउट पे जैसे हम लोग कॉल बाय करते हैं और 3:30 बजे अगर मार्केट हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है तो ये कॉल में हम लोग डिलीवरी ले लेंगे। अभी कॉल तो मैंने होल्ड कर दिया, ये कॉल कब तक होल्ड कर सकते हो, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का लो सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तब तक ये कॉल आपको होल्ड करना है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी यहाँ देखो मार्केट ने गैप ओपनिंग दिया है और ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कॉल होल्ड करके बैठे हो। ओके, जब तक मार्केट लो नहीं ब्रेक कर रहा है, अभी देखोगे कोई भी कैंडल प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पहला कैंडल है, इसने क्या किया है, प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया है। तो रोज हम लोग क्या करते जाएंगे, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, रोज हम लोग प्रीवियस डे का लो मार्क करते जाएंगे और जब तक मार्केट ये लो के ऊपर है ये कॉल एंट्री आपको होल्ड करना है। अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ है, मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, तो जैसे ही मार्केट ये लो के नीचे आएगा, जैसे ही मार्केट 15,070 ये जो लो है इसके नीचे आएगा, इमीडिएटली कॉल एंट्री आपको स्क्वेयर ऑफ करना है, कॉल में प्रॉफिट बुक कर लो। तो मार्केट अगर लो के नीचे गया, बेरिश टेरिटरी में गया, इसलिए आप कॉल से एग्जिट हो गए हो, पर लो बना के अगर मार्केट फिर से प्रीवियस डे लो के ऊपर आता है, ओके, तो मार्केट अगेन बुलिश टेरिटरी में आ गया। तो जैसे ही मार्केट 15,070 के ऊपर आएगा, ओआई डेटा अगर बुलिश है, इमीडिएटली यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो और अगेन ये कॉल होल्ड करके लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लोअर ब्रेकआउट हो गया, ओके, पर लोअर क्लोज नहीं मिला, क्लोजिंग जो है लो के ऊपर आ रहा है, तो ट्रेंड अभी भी बुलिश है। तो कल का स्ट्रेटेजी क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन वो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ओके, अभी यहाँ देखो ये सेकंड लोअर ब्रेकआउट सिग्नल है, ये अप ट्रेंड में मिला है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही अगेन मार्केट लो के नीचे आ गया, प्रीवियस डे के लो के नीचे 246 के नीचे जैसे ही मार्केट आएगा, कॉल एंट्री आप स्क्वेयर ऑफ कर दोगे। ओके, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट लो के नीचे क्लोज हो गया 3:30 बजे, तो ऐसे केस में ट्रेंड अभी डाउन हो गया, तो अगले दिन से आपका फोकस क्या रहेगा, पुट पे, अभी आप कॉल पे काम नहीं करोगे। तो यहाँ पे मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया लो ब्रेक करने का, ओके, पर बुल्स फिर से मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ पे लोअर क्लोज नहीं मिला, पर यहाँ पे क्या हो गया, लोअर ब्रेकआउट भी मिला, लोअर क्लोज भी मिला, तो ट्रेंड डाउन हो गया। तो अगले दिन मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अभी क्या रहेगा, मैं हाई मार्क करूंगा, ओके, और अगले दिन ये हाई के नीचे अगर मुझे पुट मिले, मैं पुट में बड़ा प्रॉफिट कमाने जाऊंगा। मेरा फोकस अभी किस पे रहेगा, पुट पे और सेल ऑन रैली पे। तो अगले दिन देखो अगेन पुट बाय करेंगे, बिग प्रॉफिट 50% बनेगा। उसके नेक्स्ट डे ये हाई मार्क करो ये कैंडल का, अगेन नेक्स्ट डे क्या हो गया, मार्केट गिरा, अगेन यहाँ पे पुट पे प्रॉफिट कमाओगे। ये तब तक चलेगा जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई नहीं ब्रेक कर रहा है, तब तक आप पुट में बड़ा प्रॉफिट कमाते जाओ। तो डाउन ट्रेंड में पुट में बड़ा प्रॉफिट और डाउन ट्रेंड में अगर कॉल ट्रेड आया, ओनली सिंगल टारगेट प्रॉफिट एंड फोकस ऑन सेल ऑन रैली सिग्नल, तब तक जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई ऐसे ब्रेक नहीं करता है। तो एक बार डाउन ट्रेंड में प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो गया और हाई के ऊपर क्लोज हो गया, ट्रेंड अप हो गया जहां से अप ट्रेंड चालू होगा, और अप ट्रेंड में जैसे लोअर क्लोज मिलेगा
ओके, वहां से डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। सो दिस इज बेसिक कैंडलस्टिक कंसेप्ट। तो यहां मैंने सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए, प्रीवियस डे हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कंसेप्ट, फिर यहां मैंने बुलिश बेरिश टेरिटरी भी एक्सप्लेन किया है, और यहां मैंने इंपल्स और करेक्टिव कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया है। तो जितने टॉपिक्स भी अभी मैंने बताया है ये वीडियो में, उसका एक प्रॉपरली रिविजन करो। तो यहाँ पे जितने भी कैंडलस्टिक के कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके साथ गैन टेक्निक, ब्रेकआउट टेक्निक और टाइम साइकिल टेक्निक, ये टेक्निक्स अगर आप फॉलो करते हो तो 95% एक्यूरेसी से आप डेली इनकम कमा सकते हो। एक एक दिन में भी आप 50% प्रॉफिट कमा सकते हो हर इम्पल्स ट्रेड पे, अगर मार्केट एक काफी अच्छा ट्रेंडिंग मूवमेंट देता है एक दिन में। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ऐसे आपको मार्केट में काम करना है। अभी मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सिखाता हूँ, मार्केट में आज का कैंडल देखिए कैसे आइडेंटिफाई करना है, कल मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा, नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन आज ही कैसे करना है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, कैंडलस्टिक से नेक्स्ट डे का ट्रेंड कैसे प्रेडिक्ट करना है, कल मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा, कल आपको क्या ट्रेड करना है, ये आज ही कैसे प्रेडिक्ट करना है एक दिन पहले, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो फॉर फ्यूचर मार्केट प्रिडिक्शन वी स्टडी प्रीवियस डेज कैंडल। तो प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसमें आपको क्या देखना है, प्रीवियस डे का कैंडल का बॉडी आपको देखना है, जिसमें आपको बाइंग सेलिंग प्रेशर देखना है, फिर प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसके शेडोज देखने, अपर शेडो लोअर शेडो, अगेन उसे हम लोग बाइंग सेलिंग प्रेशर आइडेंटिफाई करते हैं, और प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसका पोजिशन हम लोग देख लेते हैं कि कैंडल कहाँ पे बना है, जिससे अगेन हम लोग बाइंग सेलिंग प्रेशर देखते हैं, और फिर लास्ट 4 से 5 दिन के कैंडल्स हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो प्रीवियस डे का कैंडल एनालिसिस भी करना है और लास्ट 4-5 दिन के कैंडल्स भी आपको देखने हैं, जिससे एक्यूरेटली आप ये बता सकते हो कल मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा और कल कौन से डायरेक्शन में आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये एनालिसिस कैसे करना है अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने सिखाया था, अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, बुल्स रोज नया हाई जनरेट करते हैं और प्रीवियस डे का लो प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, और ये जो अप ट्रेंड है मार्केट, इंटरनल मूवमेंट इसका कैसा रहता है, एक मार्केट बाउंस बैक देगा जो काफी शार्प होगा और बड़ा होगा, जिसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। तो जो भी मूवमेंट है जो ट्रेंड के डायरेक्शन में, वो इम्पल्स होता है, और जो भी मूवमेंट है जो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी इंट्राडे जो फॉल आते हैं, दैट विल बी करेक्टिव वेव। ओके, तो इम्पल्स काफी शार्प होता है, बड़ा डिस्टेंस कवर करता है, करेक्टिव वेव काफी डल होता है, जहां पे साइडवेज या रेंज बाउंड मूवमेंट मार्केट देता है। ओके, तो हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, इंपल्स पे हम लोग बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, करेक्टिव वेव कंप्लीट होने का हम लोग वेट करते हैं, यहाँ पे जैसे ही करेक्टिव वेव कंप्लीशन का सिग्नल मिलता है हम लोग कॉल बाय करते हैं, अगेन बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, इसको बोलते हैं बाय ऑन डिप। तो इंट्राडे में जो भी डिप आता है वहां पे हम लोग कॉल बाय करके 50-100% प्रॉफिट कमाते हैं। अभी ये कब तक चलेगा, जब तक ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। एक बार ये अप ट्रेंड वीक हो गया, ओके, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और बेयर्स मार्केट को नीचे गिराना चालू करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जैसे ऑलरेडी एक सिग्नल मैंने आपको सिखाया है, अप ट्रेंड में अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, ओके, और सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग आता है, लोअर क्लोज, अप ट्रेंड में लोअर क्लोज, इट्स अ बेयरिश सिग्नल। पर इसके पीछे थ्योरी कैसा होता है, जब भी इंपल्स कंप्लीट होता है हमेशा करेक्टिव वेव आता है जो काफी डल रहता है, काफी टाइम लेता है, और उसके बाद अगेन अप ट्रेंड रिज्यूम होता है। ओके, पर ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे क्या होता है, इंपल्स जब भी कंप्लीट होता है उसके बाद जो फॉल आता है वो काफी शार्प रहता है, वो प्रीवियस इंपल्स को पूरा रिट्रेस करता है। तो जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है हमेशा याद रखो इंपल्स के बाद इंपल्स चालू होता है। अभी ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो फॉल आने वाला है वो करेक्टिव है कि इंपल्स है, सबसे आसान तरीका है सेलिंग प्रेशर। ओके, अगर जो फॉल आ रहा है उसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल देगा कि ट्रेंड डाउन होने वाला है और मार्केट शार्प गिरने वाला है, बड़ा बेयर रैली चालू होने वाला है। तो इसमें कैसा है कि अगर मार्केट लोअर क्लोज दे रहा है तो आपको यह देखना पड़ता है कि क्या बेयर्स में इतनी पावर है क्या कि जो मार्केट को आगे नीचे गिरा सकते हैं, डाउन ट्रेंड चालू कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या देखना है, जो कैंडल लोअर क्लोज दे रहा है, मार्केट जो गिरा है, क्या उसमें सेलिंग प्रेशर है क्या। अभी सेलिंग प्रेशर कैसे दिखता है, बॉडी, एक तरीका है बॉडी, या दूसरा तरीका है अगर यहां से 100 पॉइंट गैप डाउन खुला है, ओके, दैट गैप डाउन इटसेल्फ इज अ सेलिंग प्रेशर। तो यहां मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट ने सिर्फ लोअर क्लोज नहीं दिया है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश है, इसमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो यहाँ बेयर्स मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं, काफी अच्छा बेयर रैली यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और एक बार फिर मार्केट लोअर क्लोज देगा, सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, फिर इसके बाद क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनना चालू होगा। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ट्रेंड जैसे ही डाउन होगा, नाउ एवरी बाउंस विल बी करेक्टिव, एवरी फॉल विल बी इंपल्स। तो मार्केट बड़े बड़े फॉल देगा, बड़े बड़े रेड कैंडल बनाते नीचे जाएगा, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में जो भी बाउंस आएगा वहां पे पुट बाय करके बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, जिसको बोलते हैं सेल ऑन रैली। तो यहाँ क्या लिखा है, सेलिंग प्रेशर इन अप ट्रेंड, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। तो जैसे ही सेलिंग प्रेशर दिखे हम लोग क्या करते हैं, लोअर ब्रेकआउट और लोअर क्लोज का वेट करते हैं, अगर वो मिल गया तो ये पुट में डिलीवरी लेके हम लोग होल्ड करके लेके जा सकते हैं।
जो ऑनलाइन डिलीवरी कोर्स मैं कंडक्ट करता हूँ, जिसमें मैं जो डिलीवरी टेक्निक सिखाता हूँ, ओके, इसमें आपको यही पे आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है कि अभी आगे जो फॉल आने वाला है वो ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है और आगे एक शार्प इम्पल्सिव फॉल आने वाला है। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? चार टॉपिक्स यूज आप कर सकते हो जो डिलीवरी कोर्स में सिखाया जाता है। पहला आरएसआई है, डेली चार्ट आरएसआई, और 30 मिनट चार्ट आरएसआई है जो आपको बेरिश सिग्नल देगा। फिर टाइम साइकिल स्टडी हम लोग यूज करते हैं कि यही पे अगर मुझे मालूम है नेक्स्ट डे टाइम साइकिल दे आ रहा है, तो यही मुझे अगर मालूम है कि कल रेड कैंडल बनने वाला है, ओके, तो मैं कल सुबह ही यही पे पुट बाय करूंगा बेयर रैली के लिए। मैं लोअर ब्रेकआउट तक वेट नहीं करूंगा। अगर इधर ही मुझे मालूम है कि यहाँ पे मार्केट गिरने वाला है और एक बड़ा फॉल शार्प फॉल आने वाला है, तो मेरा एंट्री इधर ही आ जाएगा डिलीवरी का। लोअर ब्रेकआउट के पहले भी आप एंट्री ले सकते हो। फिर यहाँ पे फिबोनाची रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको बताते हैं कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा है, आगे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो ये जो टॉपिक्स है इससे हम लोग क्या करते हैं, अर्ली एंट्री लेते हैं, जिससे यही बेयर रैली का जो डिलीवरी ट्रेड है उसका प्रॉफिट आप 3 से 4 गुना बढ़ा सकते हो, ओके? पर जो सेफ एंट्री आता है, सेफ एंट्री यहाँ मैंने क्या सीखा है, लोअर ब्रेकआउट। जैसे ही मार्केट लो के नीचे आएगा यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो, और लो के नीचे क्लोज हो गया पुट में आप डिलीवरी ले सकते हो और ये पुट आप होल्ड करके लेके जा सकते हो। सो दिस इज सेफ एंट्री, ओके? तो ऐसे अप ट्रेंड में अगर सेलिंग प्रेशर दिखे, इट्स अ पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल एंड फॉलोड बाय लोअर क्लोज, इट्स अ बेरिश कंफर्मेशन। वैसे अगर डाउन ट्रेंड चालू है, तो डाउन ट्रेंड में हमने क्या सीखा है कि मार्केट रोज नया लो बनाता है। बेयर्स पावर में रहते हैं, बेयर्स में स्ट्रेंथ होता है, वो क्या करते हैं, प्रीवियस डे का हाई प्रोटेक्ट करते हैं, ओके? तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे रहता है, 30 मिनट चार्ट देखोगे ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। जो भी डाउनवर्ड मूवमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, वो इंपल्स होता है, जो काफी शार्प होता है, बड़ा होता है, इसलिए डाउन ट्रेंड में हम लोग पुट में काफी बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, ओके? और डाउन ट्रेंड में जो भी बाउंस बैक आते हैं, रैलीज आते हैं, शॉर्ट रैलीज, वो क्या रहते हैं, करेक्टिव वेव्स रहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ही टारगेट काम करते हैं, लिमिटेड प्रॉफिट, और जैसे ही करेक्टिव वेव कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुट बाय करके अमाउंट डबल करते हैं। इसको बोलते हैं सेल ऑन रैली। अब ये कब तक करते जाना है सेल ऑन रैली, जब तक ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और डाउन ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक बेयर्स में स्ट्रेंथ है। एक बार सेलिंग प्रेशर कम हो गया, ओके, बेयर्स वीक हो गए, तो बुल्स पावर में आ जाएंगे और जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। वो टाइम पे क्या होता है, ये जो लास्ट फॉल है इसके बाद जो बाउंस आता है वो करेक्टिव वेव नहीं आता है, इसके बाद जो बाउंस आता है वो काफी शार्प और काफी बड़ा होता है। इंपल्स के बाद दूसरा इंपल्स आता है और ये सिग्नल रहता है मेजर ट्रेंड रिवर्स हो गया, ओके? अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगेन आसान कैंडलस्टिक लैंग्वेज में सिखाना है। इसके बाद जो बाउंस बैक आता है वो काफी शार्प होता है, काफी बड़ा होता है, ओके? तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपको देखना है। बाइंग प्रेशर कैसे देखोगे, ये जो कैंडल बनता है ये कैंडल का बॉडी आपको स्टडी करना है। बॉडी जितना बड़ा उतना ये कैंडल स्ट्रांग बुलिश है, उतना बाइंग प्रेशर होगा। या यहां से मार्केट अगर काफी हेवी गैप अप ओपन हो गया है, 70-80 पॉइंट गैप अप, वो गैप अप भी एक बाइंग प्रेशर है और कैंडल का बॉडी भी है वो भी बाइंग प्रेशर है। तो डाउन ट्रेंड में बाइंग प्रेशर दिखा, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल फॉलोड बाय हायर ब्रेकआउट बुलिश सिग्नल फॉलोड बाय हायर क्लोज बुलिश कंफर्मेशन कि ट्रेंड अप हो गया। ऐसे ही हायर क्लोज मिल गया, फिर हमारा फोकस क्या रहता है, बाय ऑन डिप। हम लोग कॉल में डेली बड़े प्रॉफिट कमाते जाते हैं और मार्केट ये पैटर्न में ऊपर जाएगा, ओके? जब भी अप ट्रेंड में इंट्राडे डिप आएगा हम लोग क्या करते हैं, डिप पे कॉल बाय करते हैं, बाय ऑन डिप करते हैं, अगेन कॉल डबल कर लेंगे। अगेन डिप आ गया, कॉल बाय करना है, अगेन उसमें 50-100% प्रॉफिट कमाना है। अभी ये बाय ऑन डिप कब तक करते जाना है, जब तक ये ट्रेंड अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। पर एक बार अप ट्रेंड में सेलिंग प्रेशर दिखे और लोअर क्लोज मिले तो अगेन हम लोग पुट में काम करना चालू कर देंगे। इसके साथ आप क्या चीजें यूज कर सकते हो, जो डिलीवरी कोर्स में सिखाई गई है, आरएसआई डेली और 30 मिनट चार्ट अगर यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे तो आपको पहले ही सिग्नल मिल जाता है ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। फिर इसके साथ हम लोग टाइम साइकिल स्टडी यूज करते हैं। अगर इधर शाम को ही मुझे मालूम है कि कल ग्रीन कैंडल बनने वाला है और कल मार्केट काफी बड़ा बाउंस बैक देने वाला है, तो यहाँ सुबह ही मैं कॉल बाय करूंगा डिलीवरी का। मैं हायर ब्रेकआउट के लिए वेट नहीं करूंगा, यहाँ मैं अर्ली एंट्री ले सकता हूँ जहाँ पे कॉल प्रीमियम काफी सस्ते में मुझे मिलेंगे, जिससे काफी बड़ा प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं। तो डिलीवरी कोर्स में मैं अर्ली एंट्री भी सिखाता हूँ कैसे ली जाती है। फिर इसके साथ फिबोनाची सपोर्ट और प्राइस एक्शन सपोर्ट, ये हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट जोन पे बैठा है, जो बता रहा है कि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो सकता है, तो यहाँ से बाउंस बैक चालू होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो स्टडी सिखाया जाता है इससे आपको आपका जो एक्यूरेसी है वो 100% आता है, कोई भी ट्रेड आपका फेल नहीं होता है, ओके? और बेसिक सिग्नल मैंने क्या सिखाया है, हायर ब्रेकअप। तो अगर यहाँ आपको सिग्नल मिले कि डाउन ट्रेंड में हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे आप कॉल बाय करोगे, हाई के ऊपर क्लोज हो गया, आप कॉल में डिलीवरी ले लोगे, और एक बार आप ट्रेंड चालू हो गया आपको मल्टीपल बाय ऑन डिप ट्रेड्स मिलेंगे। तो अब तक ये दो कंसेप्ट मैंने सिखा है, अप ट्रेंड में सेलिंग प्रेशर, पॉसिबल चांस ऑफ
ट्रेंड रिवर्सल, डाउन ट्रेंड में बाइंग प्रेशर, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल. ओके, सेकंड मैंने क्या बताया, बाइंग प्रेशर कैसे मिलता है, आइदर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा, बॉडी काफी बड़ा होगा, या बड़ा सा गैप अप ओपन होगा. दोनों आपको क्या बताते हैं, स्ट्रांग बाइंग प्रेशर है, जहां से मार्केट अभी रिवर्स हो सकता है. अभी थोड़ा और डिटेल में हम लोग ये स्टडी करते हैं. भैया कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे हमें काफ़ी परफेक्ट सिग्नल्स मिलते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट में क्या होने वाला है. ओके, सबसे पहला है मोरोबोजू कैंडल. अभी मोरोबोजू कैंडल क्या होता है, मार्केट ओपन होता है और ओपन होते ही ऊपर जाता है, तो उस दिन का ओपन और लो आप देखोगे एग्जैक्टली सेम रहेगा, यानी ओपन होते ही बाइंग प्रेशर दिखेगा. तो यहाँ पे नीचे लोअर शैडो बनता ही नहीं, लोअर शैडो कभी बनेगा अगर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे गिरता है और फिर ऊपर जाता है, तो नीचे लोअर शैडो बनेगा. पर ये मोरोबोजू कैंडल कैसे रहता है, नीचे शैडो बनता ही नहीं, यानी ओपन होते ही मार्केट सीधा ऊपर जाता है. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल. वाई? बिकॉज देर इज नो सेलिंग प्रेशर विजिबल. ओके, अभी यहाँ पे अगर एक दो पॉइंट का शैडो है नीचे तो भी चलेगा. फिर जो क्लोज होता है वो हाई के आसपास, यानी उस दिन का जो हाई होता है, जो हाई के आसपास ही मार्केट क्लोजिंग देता है, तो ऐसा कैंडल आपको दिखाई देता है. यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, शेडोज नहीं रहते और बॉडी बहुत बड़ा रहता है. इट्स अ वेरी स्ट्रांग बुलिश कैंडल. ओके, तो अभी एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, बाइंग सेलिंग प्रेशर में हम लोग बॉडी देखते हैं, बॉडी जितना बड़ा उतना ये कैंडल ज़्यादा स्ट्रांग बुलिश होता है. ओके, सो इट इज़ वेरी स्ट्रांग बुलिश कैंडल. बेरिश मोरोबोजू क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही सीधा नीचे गिरना चालू होता है, ओपन के ऊपर जाता ही नहीं है. तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, उस दिन का ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम रहेगा, जहाँ पे एक दो पॉइंट का अगर ऊपर मूवमेंट है तो भी चलेगा. सो ओपन हाई सेम, इट्स अ वेरी स्ट्रांग बेरिश सिग्नल, बिकॉज ओपन होते ही बेयर्स मार्केट को नीचे लेके आए हैं, जहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है, और जो मार्केट क्लोज होता है वो लो के आसपास क्लोज होता है. ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है, इसलिए कैंडल काफी स्ट्रांग बेरिश कैंडल है. ओके, तो यहाँ कंसेप्ट क्या है, कैंडल का बॉडी जितना बड़ा बेरिश कैंडल उतना वो स्ट्रांग बेरिश कैंडल होता है. ओके, सो दिस इज बुलिश मोरोबोजू एंड दिस इज बेरिश मोरोबोजू. अभी ये मोरोबोजू का जो कंसेप्ट है, ओके, आपको इतना ही याद रखना है ये कैंडल्स में कि बाइंग प्रेशर, दिस इज वेरी स्ट्रांग बुलिश कैंडल, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, इट इज वेरी स्ट्रांग बेरिश कैंडल. अब ये बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर कंसेप्ट मैं एक परफेक्टली आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब ये एग्जांपल में आप देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में है, रोज मार्केट नया हाई जनरेट कर रहा है, बुल्स पावर में है. ओके, अभी आज मार्केट बेरिश कैंडल बनाता है, पर ये बेरिश कैंडल उसने कैसे बनाया है, यहाँ पे उसने लोअर क्लोज दिया नहीं है, यानी ट्रेंड अभी भी अप है. अप ट्रेंड में जब तक लो नहीं ब्रेक होता है ट्रेंड अप होता है. ओके, पर ये कैंडल में आप क्या नोटिस कर रहे हो, सेलिंग प्रेशर, बॉडी काफी बड़ा है. ओके, तो ये आपको क्या बता रहा है, सेलिंग प्रेशर इन अप ट्रेंड, सो पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल. तो आज अगर ऐसा कैंडल बने तो कल ज्यादा चांसेस क्या है, लो ब्रेक होने के. तो कल आपको क्या करना है, ये कैंडल का लो मार्क करना है. ओके, तो जैसे मैंने आपको सिखाया कि यहां अगर कल लो के ऊपर आपको बाउंस मिले, गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा टेक्निक आपको बुलिश सिग्नल दे, तो आपको कॉल बाय करना है, बाय ऑन डिप करने की कोशिश करनी है, यानी कॉल में बड़ा प्रॉफिट कमाना है. ओके, पर अगर कल मार्केट ये लो ब्रेक करे या लो के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए और गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको बेरिश सिग्नल दे, तो यहाँ आपको पुट बाय करना है और पुट में अमाउंट डबल करना है. ओके, पर ये कैंडल में ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या होता है, कल लो ब्रेक होने के, बिकॉज अप ट्रेंड में अगर सेलिंग प्रेशर दिखे इट्स अ पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल. तो इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ. या देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, चार दिन मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाया, गैप अप ओपन कर रहा है, पांचवें दिन एक बेरिश कैंडल बना. अभी जो बेरिश कैंडल है यहाँ पे आप देखोगे ओपन हाई सेम है, ओपन होते ही सीधा गिरा है. ओके, तो यहाँ पे अपर शेडो नहीं बना है और जो क्लोज है लो के आसपास बना है, तो दिस इज मोरोबोजू कैंडल, बेरिश मोरोबोजू. पर इंपॉर्टेंट मोरोबोजू नहीं है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट सिग्नल मिला है, अप ट्रेंड में सेलिंग प्रेशर दिखा. अभी सेलिंग प्रेशर कैसे दिखा है, बिग बॉडी, बिग रेड बॉडी, ये आपको क्या बता रहा है, सेलिंग प्रेशर. अभी मार्केट ने लोअर क्लोज दिया नहीं है, तो कल आपको क्या करना है, ये कैंडल का लो मार्क करना है, ये लो के ऊपर अगर बाउंस मिले, गैन और ओआई बुलिश आए, तो कॉल में बड़ा प्रॉफिट कमाओ, पर चांसेस क्या रहते हैं ये कैंडल पे, कल लो ब्रेक होने के. तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट डे क्या हुआ है, मार्केट लो के नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, तो सुबह सुबह क्या मिला, लोअर ब्रेकआउट मिला. जैसे ही यहाँ पे गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा ने बेरिश सिग्नल दिया है, या एक ही दिन में आप क्या करोगे, अमाउंट डबल कर लोगे. निफ्टी का पुट बाय करना है और पुट में सीधा एक दिन में अमाउंट आप डबल कर सकते हो. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ एवरी बाउंस इज इम्पल्स, पर ये जो फॉल है वो आपको क्या सिग्नल कर रहा है, ये इम्पल्स है. ओके, इम्पल्स के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन का इम्पल्स चालू हो गया है, जो अभी मार्केट को नीचे गिरेगा, जो इसका एग्जांपल है. यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पल्स शार्प फॉल, और अगले दिन क्या हो गया है,
लो ब्रेक हो गया है, पर यहाँ पे सेफ एंट्री लेना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, नेक्स्ट डे जैसे ही लो ब्रेक हो या लो के नीचे गैप डाउन ओपन हो, सुबह सुबह पुट बाय करो और यहाँ पे अमाउंट आप डबल कर सकते हो। अभी डाउन ट्रेंड में क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे डाउन ट्रेंड में रोज मार्केट नया लो जनरेट करते जाएगा, प्रीवियस डे का हाई प्रोटेक्ट करेगा। अभी आज अचानक ये कैंडल बना है, अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में जो बाउंस आता है वो करेक्टिव वेव रहता है जैसे हमने सीखा है, पर ये जो बाउंस है वो काफी बड़ा दिख रहा है। ये कैसे है, ये देखो कैंडल का बॉडी आपको क्या बता रहा है, कैंडल का बॉडी स्ट्रांग बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया है, डाउन ट्रेंड में अगर बाइंग प्रेशर दिखे वो आपको क्या सिग्नल कर रहा है, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, यानी बुल रैली यहाँ से चालू हो गया है, ये आपको सिग्नल कर रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, फिर मेन कंसेप्ट मैंने क्या बताया इलाइट वेव का, डाउन ट्रेंड में एवरी फॉल जो होता है वो इम्पल्स होता है, पर ट्रेंड जब भी रिवर्स होता है जो उसके बाद जो बाउंस आता है वो भी इम्पल्स होता है। ओके, तो यहाँ पे जब भी आपको बाइंग प्रेशर दिखे ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, ये करेक्टिव बाउंस नहीं है, ये इम्पल्सिव बाउंस है और यहाँ से बुल रैली चालू हो गया। तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, ये कैंडल का हाई मार्क करना है, बाइंग प्रेशर इन डाउन ट्रेंड पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। तो नेक्स्ट डे ये कैंडल का हाई मार्क करो, जैसे मैंने सिखाया हाई के नीचे बेरिश टेरिटरी है, तो हाई के नीचे अगर पुट मिला और गैन और वाई बेरिश आ गए, आपको सेल ऑन रैली करना है, पुट में बड़ा प्रॉफिट कमाओ। और कल अगर ये मार्केट हाई ब्रेक करे तो मार्केट बुलिश टेरिटरी में आ गया, हाई के ऊपर कॉल बाय करना है और सीधा बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है। पर ज्यादा चांसेस क्या है, ये केस में मार्केट हाई ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पर एजम्पशन पे नहीं जाना है, आपको दोनों डायरेक्शन में रेडी रहना है। कल गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से डायरेक्शन में काम करना है, हाई के नीचे पुट मिले बड़ा प्रॉफिट कमाओ पुट में, सेल ऑन रैली, हाई के ऊपर कॉल बाय करना है अगर गैन हुआ बुलिश आ गए और कॉल में आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है। पर दोनों डायरेक्शन में नेक्स्ट डे कोई भी ट्रेड आपको मिले आराम से 50-100% नेक्स्ट डे आप कमा सकते हो। ओके, सो दिस इज ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, डाउन ट्रेंड में बाइंग प्रेशर। ओके, अभी यहाँ एक एग्जांपल देखो, शार्प मार्केट गिर रहा है, रोज नया लो बना रहा है, सेलिंग प्रेशर है, पर यहाँ पे क्या हो गया है, बाइंग प्रेशर दिखा है। ये जो कैंडल है इसने हाई के ऊपर क्लोज दिया नहीं है, तो थियोरेटिकली अभी भी ट्रेंड डाउन है, कल मार्केट गिर सकता है। कल हम लोग ये कैंडल का हाई मार्क करेंगे, ये हाई के नीचे अगर पुट बाय सिग्नल आए तो पुट में हम लोग बड़ा प्रॉफिट कमाने जाएंगे सेल ऑन रैली, पर ये कैंडल क्या बता रहा है, बाउंस बैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट डे देखो यहाँ से सीधा अप ट्रेंड यहाँ पे चालू हो गया है। ओके, तो डाउन ट्रेंड में बाइंग प्रेशर पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। तो यहाँ अब तक मैंने क्या बताया, कैंडलस्टिक का बॉडी देख के ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट डे मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा। ओके, अभी और एक कैंडल है जो हमें स्टडी करना है, जो है धोजी कैंडल। तो धोजी कैंडल क्या होता है, मार्केट शेडोज काफी बड़े होते हैं, बॉडी बहुत छोटा होता है। तो अब तक हमने क्या देखा है, बॉडी जितना बड़ा उतना वो कैंडल स्ट्रांग, जिससे आपको बाइंग सेलिंग प्रेशर मालूम पड़ता है, बॉडी जितना छोटा उतना वो कैंडल वीक। अभी दोजी में क्या होता है, मार्केट पहले ओपन होता है, एक इंट्राडे हाई बनाता है, फिर एक सेलिंग प्रेशर आता है, बेयर्स मार्केट को नीचे लेके आते हैं, और मार्केट एक इंट्राडे लो बनाता है और बुल्स अगेन मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो जो ओपन और क्लोज है वो ऑलमोस्ट आसपास रहते हैं। ओके, पर मार्केट इंट्राडे में काफी बड़ा मूवमेंट कवर करता है। अभी ये कैंडल अगर आप देखोगे, ये कैंडल में बाइंग प्रेशर भी है और ये कैंडल में सेलिंग प्रेशर भी है, तो ये बुलिश कैंडल भी है, ये बेरिश कैंडल भी है, इसलिए इसको इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं। जब भी धोजी आता है आप कंफर्म नहीं बता सकते कि ये बुलिश कैंडल है कि बेरिश कैंडल है। ओके, तो अप ट्रेंड में अगर धोजी आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, तो अगले दिन मार्केट ऊपर जाएगा। डाउन ट्रेंड में अगर धोजी आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। दोजी कैंडल से मार्केट बहुत रेयरली रिवर्सल देता है, ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है, इसको हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। ओके, पर और दो टाइप के दोजी है जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो रिवर्सल पैटर्न है, जो अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला है ड्रैगन फ्लाई दोजी, सेम पैटर्न है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, लोअर शेडो जो है वो काफी बड़ा है। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसा आता है, मार्केट ओपन होता है, एक हाई जनरेट करता है, फिर एक सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट काफी नीचे गिरता है, पर एंड ऑफ डे बुल्स मार्केट को पूरा ऊपर लेके आते हैं। सो बाइंग प्रेशर नियर एंड ऑफ डे जो कौन सिग्नल करता है, लोअर शेडो। अगर लोअर शेडो काफी बड़ा है तो आपको क्या सिग्नल कर रहा है, बाइंग प्रेशर नियर एंड ऑफ डे, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। तो अगर बाइंग प्रेशर दिख रहा है तो कल बुल्स क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर ये कैंडल आता है तो अगले दिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हो, बाउंस बैक एक्सपेक्ट करते हो। ओके, तो ये कैंडल अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में आता है तो उससे एनालिसिस कैसे करना है, अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर ये जो कैंडल है, ऐसे ही दो सिमिलर कैंडल है, हैमर कैंडल। अभी हैमर और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बॉडी बहुत छोटा है, यहाँ पे बॉडी थोड़ा बड़ा है। ओके, पर मीनिंग एग्जैक्टली सेम है दोनों कैंडल का। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ओपन होता है,
काफी बड़ा फॉल देता है, पर एंड ऑफ डे बुल्स क्या करते हैं, मार्केट को रिकवर करते हैं और ऊपर लेके आते हैं। अब ये हैमर कैंडल के स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये हैमर का जो लोअर शेडो है वो काफी बड़ा होना चाहिए और उसका हाइट कितना होना चाहिए, जो बॉडी है उससे ट्वाइस बड़ा होना चाहिए, तो इसको वैलिड हैमर बोलेंगे। और जो अपर शेडो है वो नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, तो दिस इज परफेक्ट हैमर कैंडल। यहाँ पे आप देखोगे लोअर शेडो काफी बड़ा है और लोअर शेडो आपको क्या सिग्नल करता है, बाइंग प्रेशर नियर एंड ऑफ डे। तो अगर ऐसा कैंडल आ गया, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो आपको क्या बता रहा है, आगे मार्केट बाउंस बैक देने वाला है। ओके, इट्स अ बुलिश कैंडल। तो लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था, बाइंग सेलिंग प्रेशर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैंडल का बॉडी, ग्रीन कैंडल का बॉडी जितना बड़ा होगा उतना वो स्ट्रांग बाइंग प्रेशर दिखाता है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कैंडल का शेडोज देख रहे हैं, लोअर शेडो जितना बड़ा ओके, उतना वो कैंडल स्ट्रांग बाइंग प्रेशर दिखाता है एंड इट इज अ स्ट्रांग बुलिश कैंडल। वैसे बेरिश कैंडल कैसा होगा, दोजी का दूसरा टाइप है, ग्रेव स्टोन दोजी, जहाँ पे आप क्या देखोगे अपर शेडो काफी बड़ा होता है। तो ये कैंडल कैसे बनता है, मार्केट ओपन होता है, पहले एक इंट्राडे लो बनाएगा, फिर एक काफी स्ट्रांग बाइंग प्रेशर दिखाई देगा, मार्केट ऊपर जाएगा, पर एंड ऑफ डे सेलर्स क्या करेंगे, मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे एंड ऑफ डे क्या दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर। तो बिग अपर शेडो जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, सेलिंग प्रेशर नियर एंड ऑफ डे एंड इट इज वेरी स्ट्रांग बेरिश सिग्नल जो आपको क्या बता रहा है, अगले दिन भी मार्केट नीचे गिर सकता है। तो अगर ऐसा कैंडल आ गया देन इट इज अ वेरी स्ट्रांग बेरिश कैंडल। और जो ग्रेव स्टोन दोजी है और दो कैंडल है जो सिमिलर मीनिंग है उनका, जो है इन्वर्टेड हैमर, यानी यही कैंडल को अगर आप उल्टा करोगे दैट इज इन्वर्टेड हैमर। ये कैसे रीड करना है, अपर शेडो अगेन काफी बड़ा होता है, अपर शेडो बॉडी से ट्वाइस बड़ा होता है और लोअर शेडो काफी छोटा होता है। अभी ये कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड हो या ग्रीन हो दोनों चलेगा, इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे शेडो, यहाँ पे अपर शेडो जो है वो सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है दैट इज बेरिश सिग्नल, यहाँ पे लोअर शेडो जो है वो बाइंग प्रेशर दिखा रहा है दैट इज बुलिश सिग्नल। तो ऐसे अगर कैंडल आते हैं अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तो आप बहुत इजिली अगले दिन का ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकते हो और अगले दिन बहुत इजिली आप 50 to 100% कमा सकते हो। अभी ये कैसे करना है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करो मार्केट अप ट्रेंड में है और ये कैंडल आ गया। अभी यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर दिया है, यानी यहाँ पे रेड कैंडल भी चलेगा, ग्रीन कैंडल भी चलेगा, दोनों में से कोई भी कैंडल यहाँ पे चल सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था, अप ट्रेंड में अगर सेलिंग प्रेशर दिखे तो आपको क्या सिग्नल कर रहा है, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। पर अप ट्रेंड में अगर बाइंग प्रेशर दिखे तो आपको क्या सिग्नल कर रहा है, बाइंग प्रेशर ये ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है अप ट्रेंड को, सो इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 दिन मार्केट ने नया हाई जनरेट किया है, चौथे दिन सुबह सुबह एक बड़ा फॉल आया है, दोनों कैंडल, दोनों में से कोई भी कैंडल का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, सुबह सुबह एक बड़ा फॉल आया है पर एंड ऑफ डे बुल्स मार्केट को ऊपर लेके गए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बिग लोअर शेडो बाइंग प्रेशर नियर एंड ऑफ डे, इट इज अ वेरी स्ट्रांग बुलिश कैंडल। तो अप ट्रेंड में अगर ड्रैगन फ्लाई दोजी या हैमर पैटर्न आ गया, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, मार्केट आगे ऊपर जाएगा। अभी इसका मैं टेक्निकल एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। ये जो येलो कलर से जो मूवमेंट मार्क किया है वो इस दिन का है, तो सुबह सुबह जो फॉल आया है वो क्या है, करेक्टिव फॉल है, और उसके बाद जो बाउंस बैक चालू हो गया है वो क्या चालू हो गया है, इम्पल्स चालू हो गया है। और जब भी इम्पल्स चालू होता है वो क्या करता है, प्रीवियस इम्पल्स का टॉप ब्रेक करके नया टॉप जनरेट करता है, जो काफी बड़ा मूवमेंट देता है। तो अगर आपको बाइंग प्रेशर दिखे एंड ऑफ डे अप ट्रेंड में, तो वो आपको क्या सिग्नल कर रहा है, इम्पल्स चालू हो गया है। और कल मोस्टली ये कैंडल पे आप देखोगे मार्केट गैप अप ओपन होगा या एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, इट्स अ वेरी स्ट्रांग बुलिश कैंडल। तो अगर ये मिल गया, यहाँ पे आपको क्या सिग्नल मिलता है, इट्स अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। यूजुअली ये कैंडल पे क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर चला आता है। अभी इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ मार्केट ने एक फॉल दिया था, ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का लोअर क्लोज दिया था और यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया था। यहाँ पे मार्केट ने हायर क्लोज दिया था और यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया था। अभी ये पहला कैंडल देखो, जो ट्रेंड रिवर्सल आया है इतने बड़े फॉल के बाद, पहला कैंडल क्या हैमर कैंडल, जहां पे आप देखोगे लोअर शेडो जो है बॉडी से ट्वाइस बड़ा है, हैमर आ गया है। इट्स अ बुलिश कैंडल और अगले दिन से आप देखोगे अब ट्रेंड चालू हो गया है। अभी यहाँ पे हायर क्लोज दिया है तो ट्रेंड अप हो गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई दोजी पैटर्न बनाया, यहाँ पे हैमर पैटर्न बनाया, यहाँ पे अगेन ड्रैगन फ्लाई दोजी बनाया, यहाँ पे हैमर बनाया, और आप देखोगे जैसे ये पैटर्न बने अगले दिन क्या हुआ है, अब ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। तो ये सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो आपको बताता है अप ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। क्यों? बिकॉज लोअर शेडो आपको क्या बता रहा है, बाइंग प्रेशर, और अप ट्रेंड में अगर बाइंग प्रेशर दिखे ये आपको क्या बता रहा है, इट्स अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, आगे ट्रेंड अप ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। तो इन शॉर्ट आपको अगर बताना है, ये जो भी फॉल आ रहा है, लोअर शेडो आपको दिख रहा है, ये क्या है, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। ये अप ट्रेंड में देखो 1, 2, 3, 4,
पांच छह हैमर पैटर्न बने हैं, ओके, जहां पे लोअर शैडो काफी बड़ा है, यानी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज वो आपको दे रहा है बाय ऑन डिप करने के, ओके, सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। यहाँ क्या लिखा है, बिग लोअर शैडो, बाइंग प्रेशर विजिबल है अप ट्रेंड में, इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। अभी ये कैंडल्स पे हम लोग काम कैसे करते हैं, जैसे ये कैंडल बनेगा उसके अगले दिन सिग्नल क्या है, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, पर हम लोग नेक्स्ट डे कॉल नहीं बाय करते, हम लोग कॉल इसी दिन बाय करते हैं, ओके। तो ये कैसे करना है, मार्केट ओपन होता है पहले सुबह सुबह एक फॉल देगा और एंड ऑफ डे रिकवर होगा, इसलिए लोअर शेडो बनेगा, तो सुबह जो फॉल आता है, ओके, दैट विल बी बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी, मार्केट करेक्टिव वेव बनाने के लिए नीचे आता है और बाद में वो इम्पल्स कंटिन्यू होता है, ओके। तो जब भी मार्केट गिरेगा, यहाँ पे कोर्स में आपको सिखाया जाता है आरएसआई हम लोग फॉलो करते हैं, तो गिरने से पहले ही आरएसआई आपको सिग्नल देगा कि जितना मार्केट गिरेगा उतना ही ऊपर आएगा, यानी जो मार्केट गिरने वाला है वो करेक्टिव फॉल होने वाला है, ये आपको पहले ही सिग्नल मिल जाता है। फिर मार्केट जब भी गिरता है, बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करना है, बॉटम बना के जैसे ही मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा, गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको बुलिश सिग्नल देंगे, यहीं पे आपका कॉल बाय होगा जो आपको 1 या 2 दिन में ही अमाउंट डबल कर देगा। जैसे ही ऐसा कैंडल आपको दिखेगा, अगले दिन इमीडिएटली आप 50-100% प्रॉफिट कमा सकते हो, ओके। तो अब तक मैंने क्या बताया, हैमर, बिग लोअर शैडो, बाइंग प्रेशर, और अप ट्रेंड में बाइंग प्रेशर आपको क्या दिखा रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अभी यहाँ देखो, अप ट्रेंड में है मार्केट और यहाँ पे क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर या ग्रेव स्टोन धोजी पैटर्न बना है, ओके। अभी ये पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, अपर शेडो काफी बड़ा है, व्हाइट कैंडल क्यों ड्रॉ की है, बिकॉज यहाँ पे रेड कैंडल भी चलेगा, ग्रीन कैंडल भी चलेगा, तो कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, अपर शेडो, अपर शेडो बड़ा है, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, सेलिंग प्रेशर। तो सेलिंग प्रेशर मैंने अब तक क्या क्या पॉइंट्स आपको सिखाया, गैप डाउन ओपनिंग, बिग रेड कलर बॉडी या बिग अपर शेडो, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, सेलिंग प्रेशर। और अप ट्रेंड में अगर सेलिंग प्रेशर दिखे, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। तो ये कैंडल बन गया, ये आपको वार्निंग दे रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, मार्केट अभी गिरना चालू होगा। तो कंसेप्ट मैंने क्या बताया, इंपल्स के बाद दूसरा इंपल्स आता है जिसमें सेलिंग प्रेशर काफी बड़ा होता है। तो ये कैंडल 30 मिनट चार्ट पे आपको कैसे दिखाई देगा, सुबह सुबह बाउंस आएगा, सुबह सुबह बाउंस आएगा, और एंड ऑफ डे क्या होगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, बेयर्स मार्केट को नीचे लेके क्लोज करेंगे, जिसके लिए आपको ये ऐसा अपर शैडो दिखाई देगा वो कैंडल पे। तो अगर ये ऐसा दिख गया, ये आपको क्या दिख रहा है, इंपल्स के बाद इंपल्स चालू हो गया है, अभी कल मार्केट गिरेगा, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। पर हम लोग एजम्पशन पे नहीं जाते, अगर ये कैंडल बन गया है तो कल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है अप ट्रेंड में, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। तो कल क्या होना चाहिए, कल हम लोग ये कैंडल का लो मार्क करेंगे, और कल अगर मार्केट ये लो ब्रेक करता है, हम लोग पुट बाय करेंगे, और लोअर क्लोज मिल गया तो पुट में डिलीवरी ले लो, 1 या 2 दिन में अमाउंट डबल हो जाएगा, ओके। पर कल अगर ये लो जो है इसके ऊपर अगर आपको बाउंस बैक मिले, या गैप ओपन होके मार्केट ऊपर जाना चालू हो गया और गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा बुलिश आ गया, तो आप क्या करोगे, बाय ऑन डिप करना है, कॉल में बड़ा प्रॉफिट कमाना है। पर ये कैंडल आपको क्या सिग्नल कर रहा है, कल मार्केट में मूवमेंट क्या आ सकता है, बेरिश, ज्यादा चांसेस क्या है, कल ये लो ब्रेक होने वाला है या लो के नीचे गैप डाउन ओपन होने वाला है और मार्केट शार्प गिरने वाला है। सो अप ट्रेंड में सेलिंग प्रेशर, बिग अपर शेडो, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल एंड पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। अभी इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, कहीं पे भी मार्केट लोअर क्लोज नहीं दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे एक पैटर्न बना है जहां पे अपर शेडो आपको दिखाई दे रहा है काफी बड़ा है, ओके। तो इसको आप इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो या ग्रेव स्टोन दोजी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सुबह सुबह बुल्स मार्केट को ऊपर लेके काफी बड़ा बाउंस है इंट्राडे में, और एंड ऑफ डे इतना बड़ा फॉल आ गया है कि पूरा बाउंस उसने रिट्रेस कर दिया है। तो एंड ऑफ डे क्या दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर, अपर शेडो क्या बता रहा है, सेलिंग प्रेशर नियर एंड ऑफ डे। तो अप ट्रेंड में सेलिंग प्रेशर दिखे, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, और अगले दिन देखो उसने लोअर क्लोज भी दिया और अगले दिन से डाउन ट्रेंड चालू हो गया। पर ये एक कैंडल जो है वो पहले ही आपको वार्निंग दे रहा है कि ट्रेंड अभी रिवर्स होने वाला है और डाउन ट्रेंड अभी चालू होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही बिग अपर शेडो कैंडल मिले, सेलिंग प्रेशर, लुक फॉर लो ब्रेकआउट फॉलोड बाय लोअर क्लोज ऑन नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जैसे ही लो ब्रेक हो जाए पुट बाय करो, और लो के नीचे क्लोज हो रहा है पुट में आप डिलीवरी ले सकते हो, 1 या 2 दिन में ही आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। अब इमेजिन करो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में ये कैंडल आ गया, अभी ये कैंडल आपको क्या सिग्नल कर रहा है, अगेन बाइंग प्रेशर, दोनों में से कोई भी कैंडल आया ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। इसमें क्या हुआ है, सुबह सुबह मार्केट गिरा है, एंड ऑफ डे
बुल्स मार्केट को ऊपर लेके आए। तो लोअर शेडो क्या बता रहा है, बाइंग प्रेशर नियर एंड ऑफ डे, तो कल ये बुल्स बुल रैली भी चालू कर सकते हैं, कल मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो कल आपको क्या करना है, ये कैंडल का हाई मार्क करना है, बाइंग प्रेशर इन डाउन ट्रेंड, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, तो कल ये कैंडल का हाई मार्क करो। और कल अगर मार्केट ये हाई ब्रेक करे या ये हाई के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे और गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा बुलिश आ गया, कॉल बाय करके छोड़ दो, बुल रैली चालू हो गया। आपको सिर्फ क्या चाहिए, हायर ब्रेकआउट के साथ 3:30 बजे का जो क्लोजिंग है, इट शुड बी अबाउ प्रीवियस डेज हाई। तो एक बार हायर क्लोज मिल गया, अब ट्रेंड चालू हो गया। पर ये कैंडल ही आपको सिग्नल कर रहा है कि बुल रैली चालू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पर हम लोग एजम्पशन पे काम नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कैंडल बन गया, नेक्स्ट डे हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहता है, इसका हाई मार्क करते हैं, हाई के नीचे अगर गिरना चालू हो गया, हम लोग पुट बाय करेंगे, सेल ऑन रैली करेंगे। और अगले दिन अगर हाई ब्रेक हो गया तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, अगर गैन और ओआई डेटा बुलिश आता है तो कॉल में बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करो। और अगर हायर क्लोज मिला तो कॉल में हम लोग डिलीवरी भी लेंगे, जहां से एक बड़ा सा बुल रैली आपको मिल जाता है। मोस्टली ऐसे कैंडल पे आपको क्या मिलता है, अगले दिन बाउंस बैक मिलता है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में, कहीं पे भी मार्केट ने हायर क्लोज दिया नहीं है। ओके, और मैंने क्या बताया, डाउन ट्रेंड में जो भी बुलिश कैंडल आता है वो क्या रहता है, सेल ऑन रैली अपॉर्चुनिटी। जैसे देखोगे अगले दिन सेल ऑन रैली आपको अपॉर्चुनिटी मिला, फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, नीचे हैमर पैटर्न बना। तो डाउन ट्रेंड में हैमर बना है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, बाइंग प्रेशर। तो डाउन ट्रेंड में बाइंग प्रेशर क्या बता रहा है, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। ओके, पर यहाँ पे ये कैंडल पे आप 100% नहीं बता सकते कि ट्रेंड बुलिश हो गया। ट्रेंड रिवर्सल कभी आप मानोगे, जब ये मार्केट बुलिश टेरिटरी में जाएगा अबाउ प्रीवियस डेज हाई। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं, ये कैंडल का हाई मार्क करेंगे, हाई के नीचे मार्केट गिरना चालू हो गया, सेल ऑन रैली। ओके, और हाई के ऊपर अगर हायर ब्रेकआउट मिले और गैन और ओआई बुलिश आ जाए, यहाँ पे कॉल बाय करो, हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है तो ये कॉल में डिलीवरी ले लो, ये पूरा अप ट्रेंड आप एंजॉय करोगे। तो यहाँ पे आपका अमाउंट 2 दिन में ही डबल हो जाएगा, पर ये कॉल आप बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए भी होल्ड करके लेके जा सकते हो। ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने सिखाया है वीडियो में, जब तक प्रीवियस डे का लो नहीं मार्केट ब्रेक करता है, लोअर ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है, तब तक ये कॉल ट्रेड आप होल्ड कर सकते हो, एटलीस्ट टिल एक्सपायरी डे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ क्या दिखा है, डाउन ट्रेंड में बिग लोअर शेडो, बाइंग प्रेशर, पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, अगले दिन क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अब यहाँ कुछ और चीजें हम लोग मॉनिटर करते हैं जो आपको डिलीवरी कोर्स में सिखाया जाता है। इसके साथ जैसे ही ये कैंडल बनेगा, हम लोग क्या करते हैं, नीचे 30 मिनट RSI मॉनिटर करेंगे। ये आपको क्या सिग्नल करता है, डाउन ट्रेंड वीक हो गया है। तो डाउन ट्रेंड अगर वीक हो गया है तो अप ट्रेंड चालू होगा, ये आपको सिग्नल ये दे देगा। तो एक बार यहाँ पे अगर RSI आपको बुलिश सिग्नल दे देता है, फिर इसके बाद ये हायर ब्रेकआउट, हायर क्लोज ट्रेड कभी भी फेल नहीं होते, यहाँ से बुल रैली आना ही है। अगर RSI यहाँ सिग्नल कर रहा है, डाउन ट्रेंड वीक हो गया है, यानी बेयर्स वीक हो गए हैं। ओके, तो ये चीजें आपको डिलीवरी कोर्स में सिखाई जाती है, अर्लीस्ट एंट्री कैसे लेना है। अभी यहाँ देखो, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, यहाँ क्या दिखा है, इन्वर्टेड हैमर या ग्रेवस्टोन दोजी, अपर शेडो काफी बड़ा है, और अपर शेडो क्या सिग्नल करता है, सेलिंग प्रेशर। तो डाउन ट्रेंड में अगर सेलिंग प्रेशर दिखे, वो डाउन ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, आगे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। सो इट्स अ बेरिश सिग्नल, इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, अब ये कंसेप्ट कैसे रहता है, सुबह सुबह मार्केट बाउंस बैक देता है, तो सुबह जो यहाँ पे बाउंस आता है वो करेक्टिव बाउंस आता है, और उसके बाद जो फॉल चालू होता है वो इम्पल्स चालू होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में बिग अपर शेडो क्या बता रहा है, इम्पल्स चालू हो गया है। तो इम्पल्स का मिनिमम टारगेट क्या रहता है, स्विंग बॉटम, और इसके काफी नीचे जाता है। तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, कल मार्केट गिरने वाला है और काफी बड़ा फॉल देने वाला है। तो मोस्टली आप देखोगे ऐसे कैंडल पे अगले दिन गैप डाउन खुलेगा या एक बड़ा सा रेड कैंडल आपको कल दिखाई देगा। सो इट्स अ सेल ऑन रैली अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, बाउंस जब भी आएगा और मार्केट गिरना चालू होगा, इधर ही हम लोग क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे और 1 या 2 दिन में अमाउंट डबल कर लेंगे। इसको हम लोग सेल ऑन रैली बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कंसेप्ट अब तक आपको बताया, कैंडल का बॉडी देख के हम लोग बाइंग सेलिंग प्रेशर आइडेंटिफाई करते हैं और नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन करते हैं, फिर कैंडल का प्रीवियस डे का कैंडल का शेडो देख के हम लोग बाइंग सेलिंग प्रेशर देखते हैं और नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन करते हैं। अभी थर्ड है, कैंडल का पोजीशन देख के कैसे प्रेडिक्शन करना है, ये अभी देख लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखोगे डाउन ट्रेंड चालू है और दोजी कैंडल बना है। नाउ दिस इज नॉर्मल दोजी। ओके, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दोजी का अगर लोअर शेडो काफी बड़ा है वो बाइंग प्रेशर दिखाता है, दोजी का अपर शेडो काफी बड़ा है वो सेलिंग प्रेशर दिखाता है। पर नॉर्मल अगर दोजी है, इट इज इनडिसिसिव कैंडल। ओके, ये बुलिश भी है, बेरिश भी है। तो नेक्स्ट डे क्या एक्सपेक्ट करना है, यहाँ पे आपको देखना है, जो दोजी बना है, ओके, वो ये जो क्लोजिंग है उसके आसपास ही बना है।
तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो डाउन ट्रेंड में अगर बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है प्रीवियस डे, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, यहाँ दोजी के लिए जो बाउंस बैक आया वो करेक्टिव वेव है और नेक्स्ट डे क्या होगा, मार्केट गिरेगा। सो डाउन ट्रेंड में अगर दोजी आता है, इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, इट्स अ सेल ऑन रैली अपॉर्चुनिटी। जैसे ही दोजी आ गया, अगले दिन इमीडिएटली 50 to 100% कमा सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है और हाई के नीचे अगर मार्केट गिरने का सिग्नल मिले तो आपको क्या करना है, पुट बाय करना है और बड़ा प्रॉफिट कमाना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल ऑन रैली। तो गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा अगर सुबह सुबह बेरिश सिग्नल दे, जो पुट आप बाय करोगे उसमें सीधा 50 to 100% प्रॉफिट कमाना है, बिकॉज बेरिश जोन में आप पुट बाय कर रहे हो, इट इज इम्पल्स ट्रेड। पर अगर नेक्स्ट डे अगर मार्केट हाई ब्रेक करे, दोजी का हाई जैसे ही ब्रेक हो गया, मार्केट बुलिश टेरिटरी में आ गया, आपको क्या करना है, कॉल बाय करना है और बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है। इसको हम लोग बुलिश ब्रेकआउट बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर क्लोज मिला है, सेलिंग प्रेशर है, रोज मार्केट नया लो बना रहा है, प्रीवियस डे का हाई प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी ये जो कैंडल बना है दोजी कैंडल, इनडिसिसिव, पर आप देखोगे ये क्लोज के काफी नीचे बना है, यहाँ कहीं पे भी मुझे बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो अगर बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है तो यहाँ कहीं पे भी बुल्स में पावर नहीं दिख रही है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, कल बेयर्स पावर में आएंगे और कल मार्केट को गिराएंगे। तो ये जो बाउंस आता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज करेक्टिव वेव। आज करेक्टिव वेव बना है और कल इम्पल्स फॉल आएगा। सो टुमारो स्ट्रेटेजी विल बी सेल ऑन रैली। तो क्या करना है, दोजी का हाई मार्क करना है, हाई के ऊपर अगर गैन वाई बुलिश आ जाए, बुल रैली पे फोकस करो, कॉल पे फोकस करो। हाई के नीचे अगर गिरना चालू हो गया, सेल ऑन रैली पे आपको फोकस करना है। या नेक्स्ट डे देखो, अभी नेक्स्ट डे क्या हो गया, मार्केट हाई के ऊपर गैप अप ओपन हो गया और ओपन होते ही सीधा गिरना चालू हो गया। ओके, अभी मार्केट हाई के ऊपर ओपन हो गया तो हम लोग कॉल नहीं बाय करेंगे, बिकॉज यहाँ पे गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा हम लोग मॉनिटर करते हैं, उन्होंने भी बुलिश सिग्नल देना चाहिए। तो यहाँ पे गैप अप पे क्या हो गया, गैन और ओआई डेटा बेरिश सिग्नल दे रहे हैं, तो हम लोग पुट पे फोकस करेंगे। पर पुट कभी बाय करेंगे, जब भी मार्केट ये हाई के नीचे आएगा, बिकॉज ये हाई के ऊपर बुलिश जोन है, जैसे ही ये हाई के नीचे आएगा यहाँ पे पुट बाय करना है, एक ही दिन में अमाउंट डबल हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑन रैली। अभी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन करना है, तो तीन चीजें मॉनिटर करते हैं, कैंडल का बॉडी, कैंडल के शेडो और तीसरा है कैंडल का पोजीशन। अभी यहाँ पे दोजी का पोजीशन अगर आप देखोगे वो काफी नीचे बना है। ओके, तो ये दोजी आपको बाइंग प्रेशर नहीं दिखा रहा है, कहीं पे भी गैप अप ओपन नहीं हुआ है। ओके, तो ये दोजी आपको क्या बता रहा है, इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, नेक्स्ट डे मार्केट नीचे गिरेगा। अभी दोजी का और एक एग्जाम्पल देता, ये देखो सेम एग्जाम्पल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में और नेक्स्ट डे दोजी बना है, पर यहाँ पे आप देखोगे दोजी जो बना है ये कैंडल के बहुत ऊपर बना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सुबह सुबह मार्केट गैप अप ओपन हो गया है, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बिकॉज दोजी बहुत ऊपर बना है, इट्स अ पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। तो थोड़ी देर पहले जो दोजी हमने देखा था वो यहाँ बना था नीचे, तो हमने क्या देखा था, बाइंग प्रेशर नहीं है तो नेक्स्ट डे मार्केट गिरा। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है। तो कैंडल का पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोजी आपको क्या बता रहा है, अप ट्रेंड चालू हो गया है, नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या दिखा है, बाइंग प्रेशर विजिबल, सो पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। ओके, अभी ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट में आपको सिखाता हूँ जो हमेशा याद रखो, जब भी एक बड़ा कैंडल बनता है और उसके आगे एक छोटा कैंडल बनता है, ओके, जो ये कैंडल के अंदर रहता है, अभी कैंडलस्टिक में इसको हर्मी पैटर्न बोलते हैं। ओके, पर जस्ट हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, ये बड़े कैंडल के बाद अगर एक छोटा कैंडल आता है जो इसके बीच में है, तो आप लोग क्या करना है, ये कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। ओके, कल जो डायरेक्शन में मार्केट जाएगा वो डायरेक्शन में आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी कल अगर मार्केट हाई ब्रेक करे आपको कॉल बाय करना है, बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है 50 to 100%। कल मार्केट इसका लो ब्रेक करे तो यहाँ पे आपको पुट बाय करना है, सेल ऑन रैली करना है और 50 to 100% कमाना है। पर अभी इतना अंडरस्टैंड करो, ये कैंडल ने हायर क्लोज दिया नहीं है तो ट्रेंड अभी भी डाउन है। तो ये कैंडल का जो हाई है इसके नीचे पूरा बेरिश टेरिटरी है। ओके, पर एक्चुअली पुट आप कभी बाय करोगे यहाँ पे, पुट नहीं बाय करोगे, पुट कभी बाय करोगे जब भी लो ब्रेक होगा वहां पे पुट बाय करना है, बिकॉज यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिख गया है। तो यहाँ पे बुल रैली चालू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और ये कैंडल पे ज्यादातर क्या ब्रेक होता है, अगले दिन हाई ब्रेक होता है। इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ये देखो मार्केट गिरा है, दोजी बना है, पर आप देखोगे ये दोजी कितना ऊपर बना है प्रीवियस कैंडल के। तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक हेवी गैप अप खुला है मार्केट। तो ये बॉटम से लेके यहाँ तक मार्केट ने बाउंस दिया है, तो मुझे क्या दिख रहा है, बाइंग प्रेशर। तो यहाँ चांसेस क्या दिख रहा है, ये इम्पल्स है और ये बाउंस भी इंपल्स है। मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे थोड़ी देर पहले, डाउन ट्रेंड में बड़ा गैप अप ओपन होना,
इसको बाइंग प्रेशर बोलते हैं, बिग लोअर शैडो उसको बाइंग प्रेशर बोलते हैं, या बड़ा सा ग्रीन कैंडल बॉडी उसको बाइंग प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है, बिग गैप ऑफ ओपनिंग। तो दोजी बनाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिग गैप ऑफ ओपनिंग क्या बता रहा है, दोजी बहुत ऊपर बनाए, इट्स अ बाइंग प्रेशर। तो ये आपको सिग्नल कर रहा है पॉसिबल चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। ऐसे मार्केट में यूजुअली हाई ब्रेक होता है, कल मार्केट ऊपर जाता है। तो ये कैंडल पे क्या करना है, ये हाई मार्क करना है, हाई के नीचे अगर पुट सिग्नल मिले आपको एक ही टारगेट कमाना है, सेल ऑन रैली आप कभी करोगे ये कैंडल के नीचे। क्यों? बिकॉज ये कैंडल ने बाइंग प्रेशर दिखा है, तो सेल ऑन रैली फिर से मार्केट गिरने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये कैंडल का हाई और लो मार्क करो, हायर ब्रेकआउट आ गया कॉल में बड़ा प्रॉफिट ले लो, लोअर ब्रेकआउट आ गया पुट में बड़ा प्रॉफिट ले लो। इतना अंडरस्टैंड करो, बड़ा प्रॉफिट डेफिनेटली मिलने वाला है अगले दिन, 50% कंफर्म आपके पॉकेट में आने वाला है। सिर्फ आपको वेट करना है कौन से डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट देता है। अभी यहाँ देखो क्या हुआ है, नेक्स्ट डे गैप अप, सीधा हाई के ऊपर गैप अप ओपन हो गया, ओपन लो सेम, ओपन होते ही सीधा ऊपर गया है। तो ऐसे केस में आप देखोगे, आप ज्ञान और ओवर डेटा जैसे ही बुलिश सिग्नल आएगा कॉल बाय करोगे, एक ही दिन में आपका अमाउंट डबल हो जाएगा निफ्टी के कॉल में। ओके, अब इसका और एक एग्जांपल है, ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर क्लोज मिल चुका है, यहाँ पे बड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग हुआ है। ओके, पर यहाँ ये और ये इसमें डिफरेंस क्या है, दिस इज बेरिश कैंडल। तो मार्केट ओपन हो गया है, ऊपर गया है, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंड ऑफ डे सेलिंग प्रेशर, मार्केट गिरा है यहाँ से यहाँ, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, एंड ऑफ डे सेलिंग प्रेशर, यानी इम्पल्स चालू हो गया है, ये सिग्नल है यहाँ पे। तो अगले दिन ज़्यादातर क्या मिलेगा, लो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ये कैंडल पे। ओके, तो मैंने क्या बताया, गैप अप के बाद धोजी बना या ग्रीन कैंडल बना, तो चांसेस क्या है, अगले दिन हाई ब्रेक होने के। और गैप अप के बाद अगर रेड कैंडल बना है, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल, और इसने हाई ब्रेक नहीं किया है, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, कल लो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, कल सेल ऑन रैली मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कंसेप्ट क्या है, बड़े कैंडल के बाद छोटा कैंडल, आपको क्या करना है, इसका हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, हाई ब्रेक हो गया कॉल में बड़ा प्रॉफिट, लो ब्रेक हो गया पुट में बड़ा प्रॉफिट। पर ये कैंडल क्या बता रहा है, लो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड ऑफ डे सेलिंग प्रेशर क्या दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, जो मिनिमम ये बॉटम टच करेगा या बॉटम के नीचे जाएगा। तो अगले दिन अगर लोअर ब्रेकआउट पे आप पुट बाय करते हो ना, ये कैंडल का लो ये मिनिमम टारगेट रहेगा, उसके नीचे मार्केट जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे देखोगे मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया, तो सीधा लोअर ब्रेकआउट पे गैन और वाई बेरिश सिग्नल देंगे, आप पुट बाय करोगे, एक ही दिन में आपका अमाउंट डबल होगा, या पुट में आप डिलीवरी लेके भी जा सकते हो। ओके, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, गैप अप ओपनिंग के बाद जो कैंडल बनता है वो आपको स्टडी करना है। तीन पॉसिबिलिटी होंगे, डाउन ट्रेंड में बड़ा सा गैप अप ओपन होगा, अगर धोजी बने इट्स अ बुलिश सिग्नल, मोस्टली हाई ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ओके, अगर बड़े गैप अप के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ऐसे छोटा सा ग्रीन कैंडल है, बॉडी बहुत छोटा है, ऐसे कैंडल अगर बना है उसमें भी चांसेस क्या है, अगले दिन बाउंस बैक, यानी हाई ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, डाउन ट्रेंड में बाइंग प्रेशर, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में बाइंग प्रेशर दिखा पर रेड कैंडल बना। ओके, तो एंड ऑफ डे क्या दिख रहा है, इस दिन सेलिंग प्रेशर, जो आपको क्या बता रहा है, ये करेक्टिव बाउंस कंप्लीट हो गया है, अभी इंपल्स चालू हो गया है, जो आगे कंटिन्यू होगा, ये आपको क्या बता रहा है, सेल ऑन रैली। ओके, आसान तरीका क्या है, जब भी ऐसा छोटा कैंडल आए बड़े कैंडल के बाद, हाई लो मार्क करो, जो ब्रेक हो डायरेक्शन वो डायरेक्शन में बड़ा प्रॉफिट कमाते जाना है। जैसे यहाँ पे लो ब्रेक हो गया है पुट में बड़ा प्रॉफिट, यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया है कॉल में बड़ा प्रॉफिट। तो यहाँ जितने पैटर्न सभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, कैंडल का बॉडी, कैंडल का शैडो या कैंडल का पोजीशन देख के जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, महीने में 8 से 9 सिग्नल आपको बहुत इजीली मिलते हैं, हर सिग्नल पे आप 50 to 100% कमा सकते हो नेक्स्ट डे। ओके, जो डिलीवरी टेक्निक पे आपको सिखाया जाता है। तो अभी जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं कैंडलस्टिक के, या अभी मैं करंट निफ्टी चार्ट पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि एनालिसिस कैसे करते हैं मार्केट में, इसमें पहले आपको सिखाऊंगा कि नेक्स्ट डे का ट्रेंड कैसे प्रेडिक्ट करना है, फिर कल के लिए आज ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे प्रिपेयर करना है कि कल मार्केट में क्या ट्रेड करना है, और अगले 1-2 दिन में अमाउंट डबल करना है यानी 100% प्रॉफिट कमाना है तो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में आप अमाउंट डबल कर सकते हो, ये भी आज ही हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी जस्ट मैं शेर खान में कैंडलस्टिक चार्ट पे ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके दिखा था, अगले दिन का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज ही कैसे प्रिपेयर करना है, और मार्केट में डबल मनी ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करने एक दिन पहले, वो यहाँ अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको ये वीडियो में बताया था कि अगर आपको हायर क्लोज मिले, ओके, डाउन ट्रेंड में अगर हायर क्लोज मिलता है इट्स अ बुलिश सिग्नल। तो जैसे ही हायर क्लोज मिला ट्रेंड अप हो गया,
ओके, तो आपको प्रीवियस डे का लो मार्क करना है। जब तक मार्केट लो के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक ट्रेंड अप रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी कैंडल ने प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया है, सो नाउ द ट्रेंड इज अप। ओके, फिर मैंने दूसरा कंसेप्ट सिखाया था, अप ट्रेंडिंग मार्केट में एवरी बाउंस इज इम्पल्स एंड एवरी फॉल इज करेक्टिव वेव। इसका मीनिंग क्या है, ये मार्केट में जो भी कॉल ट्रेड हमें मिलेंगे, बाउंस ट्रेड मिलेंगे, उसमें हम लोग बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे 50 to 100%, और जो भी फॉल हमें मिलेंगे वो करेक्टिव फॉल रहेंगे जिसमें हमें लिमिटेड ट्रेड करना है। जैसे आज मार्केट गिरा, आज उसने बेरिश कैंडल बनाया है, पर यहाँ हमने पुट में सिर्फ एक टारगेट प्रॉफिट कमाया था बिकॉज ये करेक्टिव फॉल था। तो आज जैसे ही 20% प्रॉफिट मिला ये ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये पुट में अगर बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो आप कभी कमा सकते हो अगर मार्केट बेरिश टेरिटरी में जाता है, और बेरिश टेरिटरी कहाँ चालू होगा, प्रीवियस डे के लो के नीचे। ओके, तो अभी जस्ट मैं प्रीवियस डे का लो मार्क कर रहा हूँ, तो ये लो आप कैसे देखोगे, कोई भी कैंडल का अगर लो देखना है, शिव डी, ये कैंडल पे पॉइंटर रखो, राइट साइड में उसका ओपन हाई लो क्लोज आपको दिखाई देगा। तो आज का जो लो है 17,055, तो यहाँ जस्ट मैं मार्क कर रहा हूँ। तो कल अगर मार्केट ये लो के नीचे आपको मिले, ये है बेरिश टेरिटरी, और कल मार्केट ये लो के अगर ऊपर आपको मिले तो ये है बुलिश टेरिटरी। तो बुलिश टेरिटरी में कॉल में आपको फोकस करना है, बेरिश टेरिटरी में आपको पुट पे फोकस करना है। फिर ये वीडियो में मैंने और एक कंसेप्ट आपको बताया है, बाइंग सेलिंग प्रेशर। अभी यहाँ पे आप देखोगे आज का कैंडल है, पर ये कैंडल पे मुझे कहीं पे भी सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। अभी ये मार्केट आज क्यों गिरा, बिकॉज मार्केट ओवरबॉट था। अगर आप 30 मिनट RSI देखोगे, मार्केट वॉज हाईली ओवरबॉट, जो बता रहा है एक फॉल आने ही वाला था, तो आज वो फॉल आ गया है मार्केट में। ओके, पर ये जो फॉल है इसमें मुझे सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, सो दिस इज बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी। ये आपको बता रहा है कल मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। तो कल के दिन आपको क्या करना है, आज का जो लो है वो कल के लिए सपोर्ट रहेगा, आज का जो हाई है वो कल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, अप ट्रेंड में हम लोग लो मॉनिटर करते हैं। तो कल अगर मार्केट ये लो ब्रेक करे देन इट इज अ बेरिश सिग्नल, आप इमीडिएटली पुट में काम करोगे, बिकॉज लोअर ब्रेकआउट पे पुट क्या होता है, इंपल्स बनता है बेरिश टेरिटरी। और ये लो के ऊपर कल अगर मार्केट ऊपर जाने का सिग्नल मिले और गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको बुलिश सिग्नल दे, तो आपको क्या करना है, कॉल बाय करना है और बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करनी है, दैट विल बी बाय ऑन डिप ट्रेड। ओके, तो कल का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, बाय ऑन डिप। ये कैंडल आपको क्या बता रहा है, मार्केट बाउंस बैक देना चाहिए जिसको ये टॉप फिर से टच करना है। तो जब तक ट्रेंड अप है बाय ऑन डिप पे फोकस करो, और एक बार प्रीवियस डे का लो सपोर्ट ब्रेक हो गया, लोअर क्लोज मिला, उसके बाद ही हम लोग पुट में काम करेंगे। अभी डिलीवरी कोर्स में जो डिलीवरी टेक्निक में सीखा था, ओके, वो डिलीवरी कंसेप्ट अभी ये कैंडलस्टिक के साथ मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि अगला मेरा डबल मनी ट्रेड क्या होना चाहिए। यानी अगर मुझे अभी शेयर मार्केट में 1-2 दिन में अमाउंट डबल करना है तो कौन से डायरेक्शन में मैं 100% प्रॉफिट कमा सकता हूँ, कल का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मुझे क्या रखना है। ओके, ये अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा डिलीवरी व्यू शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो में। अभी डिलीवरी टेक्निक पे आपको क्या सिखाया जाता है, RSI, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेली चार्ट पे जो RSI है और 30 मिनट चार्ट पे जो RSI है, वो यहाँ गिरने से पहले उसने काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिया है। तो RSI ने यानी डिलीवरी टेक्निक ने मार्केट गिरने से पहले ही कंफर्म सिग्नल दे दिया है कि जितना मार्केट गिरेगा उतना ही मार्केट रिकवर करेगा। यानी आज का जो हाई है 17,220, ये डेफिनेटली मार्केट टच करने वाला है। यानी एक और इम्पल्स पेंडिंग है, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी यहाँ मार्केट देने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट 17,076 के आसपास क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे 150 पॉइंट का कन्फर्म मूवमेंट मार्केट दिखा रहा है, जहाँ पे बहुत इजीली आप अमाउंट डबल कर सकते हो 1 दिन में। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं कल के दिन, ये जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ जैसे वीडियो में मैंने बताया था, जब ये करेक्टिव वेव कंप्लीट होता है, अगला इंपल्स चालू होता है, वो मिनिमम ये प्रीवियस इंपल्स का टॉप यानी स्विंग टॉप टच करेगा और उसके ऊपर जाएगा। तो ये जो अप ट्रेंड आएगा उसका मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, आज का टॉप। ओके, तो सुबह सुबह अगर गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा बुलिश सिग्नल आता है ये लो के ऊपर, कॉल बाय करो और ये स्विंग टॉप के लिए काम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत इजीली आप अमाउंट डबल कर सकते हो। ओके, फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, कल अगर मार्केट ओपन होता है और लो ब्रेक करता है, ओके, तो लोअर ब्रेकआउट पे क्या होगा, मार्केट बेरिश टेरिटरी में जाएगा, तो यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो। और बेरिश टेरिटरी में पुट क्या होता है, इंपल्स, जिसमें हम लोग बड़ा प्रॉफिट कमाने जाते हैं। पर यहाँ पे पुट में मैं बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, बिकॉज डिलीवरी टेक्निक मुझे क्या सिग्नल कर रही है, बाय ऑन डिप, एक बाउंस आने वाला है ये टॉप तक। तो मेरा मेन ट्रेड क्या रहेगा, बाय ऑन डिप, मैं कॉल पे ही अमाउंट डबल करने की कोशिश करूंगा, मैं पुट में बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा। तो कल अगर ये लो ब्रेक करे मैं पुट बाय करूंगा, अगर गैन और ओपन इंटरेस्ट डेटा बेरिश सिग्नल दे तो यहां मैं पुट बाय करूंगा, पर ओनली फॉर वन टारगेट। रीजन क्या है, मुझे मालूम है एक बाउंस आगे आने वाला है जिसके लिए मैं वेट करूंगा। ओके, फिर अगर लो के नीचे जाता है और थोड़ा देर सस्टेन करने के बाद अगर फिर से लो के ऊपर आए,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो रिवर्स ब्रेकआउट। तो लो रिवर्स ब्रेकआउट पे अगर गया ना रोवा डेटा, अगेन बुलिश सिग्नल दे, मैं यहाँ पे कॉल बाय करूंगा जिसका टारगेट क्या रहेगा, अगेन स्विंग टॉप। या इमेजिन करो अगर मार्केट लो के नीचे गैप डाउन ओपन हो और फिर ये लो के ऊपर आए, और अगर गया ना रोवा डेटा बुलिश सिग्नल दे रहे, अगेन मैं कॉल बाय करूंगा और मैं ये स्विंग टॉप के लिए होल्ड करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग कॉल पे किस पे फोकस कर रहे हैं, लो के ऊपर ही, बिकॉज वो बुलिश एरिया है। यहाँ कहीं पे भी हम लोग कॉल बाय करने की बात नहीं कर रहे, ओके okay? पर यहां अगर मैं पुट बाय करूंगा, ये केस में अगर डिलीवरी एनालिसिस में अप्लाई कर रहा हूं कैंडलस्टिक एनालिसिस के साथ, यहां मैं पुट में भी बड़ा प्रॉफिट नहीं लूंगा, बिकॉज एक और बाउंस पेंडिंग है, एक बार ये टॉप फिर से टच होना, ये सिग्नल मुझे मिल चुका है। तीन पॉसिबिलिटी मैंने एक्सप्लेन किया है, कल सुबह सुबह लो के ऊपर कहीं पे भी मार्केट ओपन हो और बाउंस आए, कॉल बाय करो, बड़ा प्रॉफिट, बाय ऑन डिप। कल अगर लो ब्रेक हो तो मैं पुट बाय करूंगा, बट ओनली फॉर वन टारगेट, अगर गैनो रोवा डेटा बेरिश सिग्नल दे। और कल लो के नीचे अगर मार्केट फिर से ऊपर आए, लो के नीचे से अगर फिर से लो के ऊपर आए, लो रिवर्स ब्रेकआउट, में कॉल बाय करूंगा, बाय ऑन डिप, अगेन ये कॉल में बड़ा प्रॉफिट लेने जाऊंगा। सो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगले 1 या 2 दिन में अमाउंट यहाँ मैं डबल कर सकता हूँ निफ्टी कॉल में। तो यहाँ पे डिलीवरी टेक्निक अगर एक बार सिग्नल देती है टॉप टच होना है तो टच होना है, ओके okay, तो ऐसे केस में यूजुअली बाइंग प्रेशर आता है अगले 1-2 दिन में और मार्केट ये टॉप ब्रेक कर देता है। पर इमेजिन करो रेयर केस में, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, कि अगर मार्केट लोअर क्लोज दे कल, लो ब्रेक करे और क्लोजिंग भी अगर ये लो के नीचे दे, तो ट्रेंड डाउन हो गया। तो अगर ट्रेंड डाउन हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस डे का हाई मार्क करते हैं, और प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करने के बाद बुलिश टेरिटरी में मार्केट जाएगा, वहां पे कॉल बाय करोगे और ये टॉप के लिए आप काम कर सकते हैं ना। इन शॉर्ट आपको बड़ा जो ट्रेड लेना है वो कॉल में ही लेना है, बिकॉज डिलीवरी टेक्निक श्योर शॉट बुलिश सिग्नल दे रही है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग डिलीवरी सिग्नल्स मिले। पहला डिलीवरी सिग्नल है बाय ऑन डिप, ओके, जो 30 मिनट RSI सिग्नल दे रहा है, ये टॉप फिर से टच करना है। और दूसरा डिलीवरी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है डेली चार्ट पे, वो क्या बता रहा है कि जब ये अप ट्रेंड कंप्लीट होगा, अप ट्रेंड कैसे कंप्लीट होगा, जब ये मार्केट लोअर क्लोज देगा तब ये अप ट्रेंड कंप्लीट होगा। तो जैसे ही लोअर क्लोज देगा ये मार्केट गिरना चालू होगा। तो डेली RSI क्या बता रहा है, जितना मार्केट गिरेगा उतना ही मार्केट रिकवर होने वाला है, यानी एक बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, ओके। जो आज हमें सिग्नल मिला है डेली चार्ट पे, वो क्या बता रहा है कि लोअर क्लोज अगर मिले मार्केट में, ओके, और सोचो अगर 2-3 दिन मार्केट गिरे, तो जितना गिरा है उतना ही मार्केट ऊपर जाएगा, दैट विल बी नेक्स्ट डिलीवरी ट्रेड। पर मैं कॉल कभी बाय करूंगा, डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करूंगा। जब भी मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करे तभी मैं कॉल बाय करूंगा, और एक बार हायर क्लोज मिला डायरेक्टली प्रीवियस स्विंग टॉप तक मैं ट्रेड करूंगा। तो ऐसे हम लोग दूर दूर का प्रेडिक्शन करके रखते हैं। हमें ऑलरेडी मालूम अगर है मार्केट में क्या होने वाला है, क्या सिग्नल मिलने वाला है, तो बहुत इजीली आप एक एक दिन में अमाउंट डबल कर सकते हो। ऐसे बहुत सिंपल कैंडलस्टिक और डिलीवरी कंसेप्ट यूज करके आप परफेक्ट एनालिसिस कर सकते हो, मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्शन करके रख सकते हो। तो अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, एक 5 एक्सरसाइजेस मैं आपको देता हूँ ये वीडियो में, जस्ट देखने के लिए कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट कितने अच्छी तरह से आपको समझ में आया है, ये देखने के लिए ये एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं दे देता हूँ। पहले हर एक जो कंसेप्ट सीखा है ये वीडियो में वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड करो, ओके, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज चालू करना है। फिर जो भी आंसर्स आपके आएंगे ये 5 एक्सरसाइजेस के, वो आंसर आप मुझे भेज सकते हो। ये वीडियो के नीचे जो कमेंट सेशन है, आप मुझे कमेंट्स भेज सकते हो आपके आंसर्स, मैं हर एक आंसर वेरीफाई करूंगा और मैं रिप्लाई कर दूंगा, जो करेक्ट आंसर है वो भी बता दूंगा, और अगर आपका कुछ गलती हुआ है तो वो मिस्टेक भी मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। तो आपके आंसर्स मुझे कमेंट्स में भेज सकते हो, ओके। तो 5 एक्सरसाइज है, एटलीस्ट 4 आपके एक्सरसाइजेस बराबर आने चाहिए, तो एटलीस्ट आपका स्कोर 4 के ऊपर चाहिए। अगर 5 में से 5 है, वेरी गुड। वीडियो देखते वक्त अगर कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आया है, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये टॉपिक्स अगेन मैं कोर्स में सिखाने वाला हूँ टेक्निक से पहले, तो इसका एक डिटेल में आपको रिविजन मिल जाएगा। फिर ये वीडियो देखते वक्त जो भी आपको क्वेरीज आए हैं वो क्वेरीज लिख के रखो, कोर्स में वो क्वेरीज में डिटेल में आंसर करूंगा, कोर्स में सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा। अभी यहाँ पे पहला एक्सरसाइज क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया है, सुबह 10 बजे मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ पे लिखा है इज मार्केट गिविंग एनी कन्फर्म ट्रेड, यहाँ पे कोई कन्फर्म ट्रेड सिग्नल दे रहा है क्या, यहाँ पे आप क्या एंट्री लोगे हाई ब्रेकआउट होने के बाद, सेन एंट्री विल बी इम्पल्स और करेक्टिव, यानी यहाँ जो आप एंट्री लेने जाओगे वो इम्पल्स होगा कि करेक्टिव होगा, और ये एंट्री में आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाओगे या लिमिटेड प्रॉफिट बुक करना है, सिंगल टारगेट प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। पहले तो ये ट्रेड आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या ट्रेड मिला है, कोई कन्फर्म ट्रेड है क्या, ओके, फिर यहाँ पे क्या एंट्री लोगे और यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट कमाना है कि सिंगल टारगेट, ये आपको आंसर करना है। सो दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज।
यार देखो 9:25 है, मार्केट ओपन हो गया है, ओपन होते ही गिरना चालू हो गया है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड चालू है और जो गिरना चालू हो गया है सुबह सुबह गैन और वाई टेक्निक क्या सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे पुट बाय सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ पे मार्केट गिरने का सिग्नल है। क्वेश्चन क्या है, वॉट एंट्री शुड यू टेक एट 9:25, यहाँ पे आप क्या एंट्री लोगे और यहाँ पे ये एंट्री जो आप लोगे उसमें आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है कि सिंगल टारगेट प्रॉफिट कमाना है, यानी लिमिटेड प्रॉफिट कमाना है, ये आपको लिखना है, यानी जो फॉल है वो इम्पल्स होगा कि करेक्टिव होगा, ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पे और एक चीज है, व्हाट विल बी सिग्नल फॉर बिग प्रॉफिट ट्रेड, तो यहाँ पे जो ट्रेड होगा ओके, यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेड आपको मिल सकता है क्या जिसमें आप 50 to 100% कमा सकते हो, इसका आपको आंसर करना है ओके। तो यहाँ पे ऐसा क्या सिग्नल मिलेगा इस दिन, तो सीधा आप 50% या 100% के लिए जा सकते हो, वो भी आपको लिखना है। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला तो यहाँ पे आप क्या ट्रेड लोगे, उसमें कितना प्रॉफिट बुक करोगे, बड़ा प्रॉफिट लेना है यानी 50 to 100% या सिंगल टारगेट प्रॉफिट लेना है, वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी या सिग्नल मिल सकता है क्या जो आपको बता दे कि अभी एक बड़ा प्रॉफिट आप लेने जा सकते हो मार्केट में, इसका भी आंसर आपको लिखना है ओके। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, मार्केट ओपन हो गया है, अप ट्रेंड में है, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हो गया है और हाई के नीचे आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई रिवर्स ब्रेकआउट ओके। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 9:30 बजे मार्केट हाई के नीचे आ गया है, सो कैन आई टेक दिस हाई रिवर्स ब्रेकआउट ट्रेड फॉर बिग प्रॉफिट इन पुट, यानी यहाँ पे सिग्नल है क्या, यहाँ मैं पुट बाय कर सकता हूँ क्या और सेल ऑन रैली कर सकता हूँ क्या, यानी पुट में 50 to 100% कमा सकता हूँ क्या। जैसे मैंने बताया हाई रिवर्स ब्रेकआउट एक कंसेप्ट हमने ये वीडियो में सीखा है, तो क्या यहाँ पे वो हाई रिवर्स ब्रेकआउट एप्लीकेबल होगा क्या जहां मैं पुट बाय करके बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकता हूँ, तो इसका आपको आंसर लिखना है। फोर्थ एक्सरसाइज, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना है, तो आपको नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन करना है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस है, पहले करंट ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, फिर इंपल्स और करेक्टिव का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो ओके, फिर प्रीवियस डे का कैंडल आपको स्टडी करना है और अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट डे क्या होगा ओके, आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा वो आपको लिखना है, और नेक्स्ट डे चांसेस क्या होंगे, बुलिश होगा कि बेरिश होगा, ये आपको स्टडी करना है। और ये लास्ट एक्सरसाइज है, मार्केट अप ट्रेंड में है और ये प्रीवियस डे का कैंडल है ओके, तो अगेन आपको ये कैंडल स्टडी करना है और नेक्स्ट डे मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा ये आपको प्रेडिक्ट करना है, और नेक्स्ट डे आप कौन से डायरेक्शन में 50 to 100% प्रॉफिट कमाओगे वो भी आपको लिखना है। तो यहाँ जो वीडियो में मैंने अब तक कैंडलस्टिक के कंसेप्ट आपको बताया, कहीं पे भी मैंने कैंडलस्टिक का थ्योरी आपको नहीं सिखाया, ये जो कंसेप्ट है यहाँ मैंने कैंडलस्टिक से रुपया कैसे कमाना है, फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे करने हैं ये आपको सिखाया है। तो ये कंसेप्ट आप देखोगे जब भी आपको ये सिग्नल मिलेगा अगले दिन इमीजिएटली आप एक ही दिन में 50 to 100% प्रॉफिट कमा सकते हो इन निफ्टी ऑप्शन ओके। तो शेयर मार्केट एक काफी ब्यूटीफुल फील्ड है, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेते हो आप रेगुलर इनकम कमा सकते हो, काफी बड़ा इनकम कमा सकते हो और लॉसेस भी पूरी तरह से आप जीरो कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, खुद को एजुकेट करना है ओके। तो ये वीडियो आप 2-3 बार देखो, ये कंसेप्ट पूरी तरह से अंडरस्टैंड करो। तो यहाँ पे हमारा बेसिक सेशन कंप्लीट होता है कैंडलस्टिक का। कैंडलस्टिक बहुत वास्ट टॉपिक है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स है जो मैं सिखा सकता हूँ, पर ये वीडियो ऑलरेडी ऑलमोस्ट अभी लगता है 1.5 घंटे का हो गया है, काफी बड़ा हो गया है ओके। तो ये वीडियो में जितने भी पॉइंट्स कंसेप्ट मैंने सिखाया है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, ये कंसेप्ट पे आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब ये होने के बाद मेरा जो डिलीवरी कोर्स है, ऑनलाइन डिलीवरी कोर्स जिसमें मैं एडवांस कंसेप्ट सिखाता हूँ, लाइक जो ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं या जो कंफर्म डिलीवरी सिग्नल्स होते हैं, वो 1 से 2 दिन पहले ही कैसे आइडेंटिफाई करना है कि 1-2 दिन के बाद ट्रेंड रिवर्स होने वाला है ओके, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन सिंगल बुल या बेयर रैली, यानी एक जब भी बुल रैली या बेयर रैली चालू होता है वहाँ पे एक ही रैली पे काफी बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाना है, यानी 500-1000% के ऊपर भी आप कैसे कमा सकते हो, जहाँ पे एक मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट आपको सिखाया जाता है जिससे रुपए आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है, तो एक ही रैली पे आप काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो ओके। हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर टारगेट्स ऑफ बुल रैली बेयर रैली, यानी बुल रैली तो चालू हो गया, हायर क्लोज मिल गया, आप कॉल में डिलीवरी लेके बैठे हो, पर वहीं पे अगर आपको मालूम है कि मार्केट 800 पॉइंट ऊपर जाने वाला है तो वो कॉल आप सीधा 800 पॉइंट तक होल्ड कर सकते हो। तो डिलीवरी टेक्निक से जो भी बुल या बेयर ट्रेंड्स हमें मिलते हैं उसके टारगेट्स भी हम लोग पहले दिन आइडेंटिफाई करके रखते हैं, तो वो टारगेट तक हमारा एंट्री होल्ड करते हैं, इसलिए एक बुल या बेयर रैली पे आप काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो बिकॉज आपको कंफर्म टारगेट पहले ही मालूम होते हैं कहाँ तक मार्केट जाएगा ओके। देन हाउ टू अर्न मनी ऑन गैप्स, कैंडलस्टिक चार्ट पे जितने भी गैप्स आपको दिखते हैं वो हर गैप पे आप काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट गैप थ्योरी आपको सिखाया जाता है कि गैप्स पे पैसे कैसे बनाने हैं वो आपको सिखाया जाता है। हाउ टू ट्रेड इन साइडवेज मार्केट, अभी हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट देख रहे हैं ओके, पर अगर बुल्स भी पावर में है और बेयर्स भी पावर में है, दोनों में अगर स्ट्रेंथ है तो क्या करेंगे, बुल्स और बेयर मार्केट को साइडवेज रुकेंगे,
रेंज बाउंड मार्केट में टाइम वैल्यू का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है प्रीमियम की ईटिंग होती है। तो ये जो साइडवेज मार्केट में जो डिसएडवांटेज मिलता है प्रीमियम डीके का, इसका एडवांटेज कैसे लेना है ट्रेडिंग करते वक्त, साइडवेज मार्केट में ट्रेड कैसे करना है और साइडवेज मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाना है, लॉसेस जीरो रखे, ये भी आपको सिखाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बुलिश एंड बेरिश पैटर्न्स, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स में सीखा था डिलीवरी कोर्स में, अगर वो मिलते हैं आपको एक बहुत बड़ा डिलीवरी ट्रेड मिल जाता है। अभी ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो अलग हो गए, एनगल्फ पैटर्न, डार्क क्लाउड पैटर्न, ये सब पैटर्न्स अलग हो गए, उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे बुलिश और बेरिश पैटर्न बनते हैं जो आपको कंफर्म डिलीवरी ट्रेड लेके जाते हैं जहाँ पे आप काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये कंफर्म पैटर्न्स भी आपको कोर्स में सिखाया जाता है, हाउ टू टेक अर्लीस्ट एंट्री ऑन रैली बिफोर ट्रेंड रिवर्सल। जितना अर्ली एंट्री आप लोगे उतना बड़ा प्रॉफिट आप रैली पे कमा सकते हो। सो इन शॉर्ट, हाउ टू यूज कैंडलस्टिक प्लस डिलीवरी टेक्निक प्लस इंट्राडे टेक्निक टुगेदर टू गेट 100% एक्यूरेसी इन एनालिसिस एंड ट्रेडिंग। यानी जब भी आप एनालिसिस करते हो शाम को और जब भी आप ट्रेडिंग करते हो लाइव मार्केट में, 100% एक्यूरेसी से आप ट्रेड कर सकते हो, कोई भी ट्रेड आपका फेल नहीं होता है अगर ये तीनों चीजें आप कंबाइन करके काम करते हो। ओके, एंड फाइनली हाउ टू डू कैंडलस्टिक एनालिसिस ऑन डेली चार्ट, 30 मिनट चार्ट, मंथली चार्ट। तो यहाँ पे अभी मैंने डेली चार्ट पे आपको सिग्नल्स बताया, यही कैंडलस्टिक एनालिसिस 30 मिनट चार्ट पे कैसे करना है, मंथली चार्ट पे कैसे करना है, ये भी आपको सिखाया जाता है। तो मंथली चार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कैश मार्केट में तो वो भी आपको ये कोर्स में सिखाया जाता है। ये कोर्स में आपको कॉल पुट में ट्रेड करना, डिलीवरी लेना सिखाया जाता है, पर उसके साथ आपको स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करना सिखाया जाता है। जहाँ पे स्टॉक्स में जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉटम लेवल पे आप स्टॉक्स बाय करते हो और परफेक्ट टॉप लेवल पे आप एग्जिट करते हो। तो एग्जैक्ट बॉटम और टॉप कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं ये भी आपको सिखाया जाता है। मंथली चार्ट पे ये एनालिसिस करना आपको सिखाया जाता है। तो ये जो टॉपिक्स है ये आपको डिलीवरी कोर्स में सिखाया जाता है। तो ये कैंडलस्टिक के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके साथ ये डिलीवरी टेक्निक हम लोग फॉलो करते हैं, जिससे काफी परफेक्ट एनालिसिस और ट्रेड आप कर सकते हो मार्केट में। तो जो मेरा कोर्स रहता है, दो कोर्सेज में कंडक्ट करता हूँ, पहला इंट्राडे कोर्स है जो 1 वीक का कोर्स होता है, उसके बाद 2 वीक का प्रैक्टिस में करवा के लेता हूँ, तो ओवरऑल 3 वीक का कोर्स रहता है जिसमें मैं 3 श्योर प्रॉफिट टेक्निक सिखाता हूँ, इंट्राडे गैन एंड ओआई टेक्निक, ब्रेकआउट टेक्निक, टाइम साइकिल टेक्निक। तो ये वीडियो में जितने भी सिग्नल्स मैंने बताया उसके साथ ये इंट्राडे टेक्निक अगर आप फॉलो करते हो, हर ट्रेड का एक्यूरेसी आपको 95% के ऊपर मिलता है। ये तीनों टेक्निक जो है ये आपको ऑनलाइन इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स में सिखाए जाते हैं, और इसके साथ आपको नो लॉस स्ट्रेटेजी सिखाया जाता है, लॉसेस पूरी तरह से जीरो कैसे करने हैं वो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। सिर्फ 10 रूल्स आपको सिखाए जाते हैं, वो अगर आप फॉलो करते हो इंट्राडे के 90% लॉसेस आप जीरो कर सकते हो। ओके, लॉसेस पूरी तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। और दूसरा जो कोर्स है दैट इज डिलीवरी कोर्स, जिसमें डिलीवरी टेक्निक सिखाई जाती है, 1 वीक का कोर्स होता है। तो डिलीवरी कोर्स में आपको एनालिसिस करना सिखाया जाता है। तो ये दोनों कोर्स में क्या डिफरेंस है, जो डिलीवरी कोर्स है इसमें आपको एनालिसिस करना सिखाया जाता है, जो मोस्टली हम लोग शाम को करते हैं ऑफलाइन मार्केट में। ओके, और जो इंट्राडे कोर्स में इसमें जो भी टेक्निक्स आपको सिखाए जाते हैं, जो आपको बताते हैं मार्केट जब भी चालू है तभी तो कैसे ट्रेड करना है, वहां पे आपको सिखाया जाता है। तो डिलीवरी टेक्निक और इंट्राडे टेक्निक अगर आप कंबाइन करके फॉलो करते हो, मिनिमम 100% एक्यूरेसी आपको मिलता है, कोई भी ट्रेड आपका फेल नहीं होता है। तो जिन्हें भी ये टेक्निक्स के बारे में, ये कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, ये मेरा वेबसाइट है advancedshairtrading.com। ये वेबसाइट पे आपको मेरे कोर्स और टेक्निक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, और ये वेबसाइट पे कुछ वीडियोज भी है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज है, फीडबैक्स है, वो भी अगर आप देखोगे मेरे कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। सो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ग्रेट सक्सेस इन शेयर मार्केट। गुड लक।